हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की केमिस्ट्री की क्लास में मेरा नाम है स्वाति एंड आज हम करने जा रहे हैं फिर से हमारे बहुत ही ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री आ जाइए जल्दी से सभी के सभी बच्चे बच्चों क्या बात है सही आज तो बाल बाल लग रहे एकदम मस्त ए की हवा सामने से सा लग रही है जुल्फ उड़ रही है तुम्हारी तो मैडम की तो बढ़िया बढ़िया तरीके से अपनी क्लास शुरू करते हैं आ जाइए भाई हमारा पहला क्वेश्चन दिस इज योर क्वेश्चन वन बहुत ही इजी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सो so, बता दीजिए क्या होगा नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम और रीजन दीजिए कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये दो एलिमेंट मैग्नीशियम जैसा प्रॉपर्टीज शो करते हैं जल्दी से बताइए ऑक्साइड बनाकर बता दो तो बता देते हैं ऑक्साइड बनाकर पहले ये वाला क्वेश्चन कीजिए फिर ऑक्साइड बनाकर बताएंगे कैसे होगा जो जिन्हें ऑक्साइड देखनी है यहाँ पर देखो ए की वैलेंसी थी बेटा दो ऑक्साइड की थी माइनस टू इसकी थी प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया इससे ये कट गया ए ओ आया बी की थी प्लस थ्री ओ की थी माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया बी टू o3 आ गया बन गए थारे ऑक्साइड और कुछ घोर लिया अच्छा नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं रिपोर्ट करेगा क्वेश्चन नहीं report. एक वो होती है जिसे टको के पीछे लिखा रहता है घूरो मगर प्यार से तो ऐसे नहीं ना गंदी नजरों के साथ नहीं घूरना है ना सवाल को बड़ी ही अच्छे इंटेंशंस के साथ सवाल को घूरना है कि तुझे तो हम क्लियर करके रहेंगे तो भाई घूरो मगर प्यार से ठीक चलिए सो वेरी गुड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आंसरिंग क्या बात है भाई क्लास में इतने सारे बच्चे हो गए जल्दी से जवाब दीजिएगा सबका 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 जवाब चाहिए मुझे yes, क्योंकि ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं टू ग्रुप क्या बात है बहुत बढ़िया so बस यही लिखना है तुम्हें ऐसे ही लिखना है तुम लोगों को कि भाई बेरिलियम कॉमा Calcium will show the same properties as magnesium. What is the basis for your choice? They belong to the सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं कि सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं यार हमारी ना क्लास का टाइम होता है चार बजे रोज चार बजे होती है चार सवा चार आज पेपर डिस्कशन था यूपी बोर्ड का इसीलिए छह बजे शिफ्ट करनी पड़ी है हमें वरना क्लास का टाइम हमारा यही होता है तो कोई भी नया बच्चा आ रहा है पहले तो यार लाइक कर देना इसको सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को स्वाति मैम तो मेरे रोज मिल जाएंगी चार बजे यहाँ पर ओके यस दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप क्या बात है मजे आ गए भाई मजे आ गए अगला क्वेश्चन देखते हैं

कुछ दिन पहले मेरी सुबह सवा सात क्लास लगी थी उन बच्चों के साथ और उनको ना मैंने डिफरेंशिएट करवाया था बिटवीन मेंड लीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उससे डायरेक्टली उठकर सवाल आया है तो अगर उनका सवाल आया है तो तुम्हारा भी उठकर आ सकता है एंड आई हैव टॉट यू पीपल द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक डिफरेंस तो तुम सारे लिख लोगे कि भाई मेंड लिव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटोमिक मास के ऊपर बेस्ड थी वेर एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटोमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी हां जी बच्चे ऑफ़ कोर्स यू कैन वॉच दिस क्वेश्चन दिस वीडियो यू कैन एनी डे वॉच दिस वीडियो ऐसे पूछ रहे मैम आई एम न्यू स्टूडेंट भाई हम तो चाहते हैं न्यू स्टूडेंट आए उन्हें पता चले कि कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं हम

बेटा जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ उनसे बाहर तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं आना है महीना के राउंड बचा है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए शायद महीने से भी कम है तो घबराहट हो रही होगी डर लग रहा होगा तुम्हें बहुत ज्यादा कि पता नहीं यार यहां से पढ़ ले वहां से पढ़ ले ये कर ले वो कर ले मत जाओ यार कहीं मत ही जाओ और तुम्हारे पास दस चैनल्स होंगे देखने के लिए चीजें और दसों के दस चैनल ये बोल रहे होंगे हम पढ़ाएंगे तुम्हें हम कराएंगे तुम्हें हमने पहले कराया है बच्चों को हम रिजल्ट्स लेकर आए हैं यूपी बोर्ड वालों के भी कराए हैं हमने राजस्थान बोर्ड के भी कराए हैं सीबीएसई को तो कराते आ ही रहे हैं सो यू जस्ट नीड टू यू नो स्टिक टू वन बेपेंदे का लोटा नहीं बनना एक जगह पर रहो और एक जगह की चीजें पढ़ो एक जगह की चीजें सीखो ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चा मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करा मैम यू टीच सच नाइस केमिस्ट्री वो फिर किसी फलाना उसके नीचे भी लिख रहा मैम यू टीच सच नाइस केमिस्ट्री ऐसा नहीं होना चाहिए ना बेपेंदे का लोटा नहीं बनना है बेटा ठीक है तो बिल्कुल नहीं घबराना है और फेथ रखो रखना पड़ेगा क्या ही कर सकते हैं हमने भी रखा था अपना फेथ किसी के हाथों में कर गया काम तो तुम्हें भी अपना फेथ रखना होगा ही ठीक है तो तो बेटा विश्वास रखना पड़ेगा मेरे बच्चे और क्लासेज रेगुलरली लगानी पड़ेगी मैं फिर तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी मैं साइड हो जाती हूँ जल्दी से एक बारी गोथ्रू कर लो रीड मार लो किसी चीज में फंस रहे हो तो मुझे बता देना ठीक है चलिए जल्दी से एवरीबडी पढ़िए पूरा को पूरा क्या है यहाँ पर जल्दी से फटाफट फड़ से हमें क्वेश्चन लगाने हैं क्योंकि इसके बाद आप लोगों की ऑलरेडी एक और क्लास होने वाली है 6:45 पर आप लोगों की लोकेंद्र सर की मैथ्स की क्लास होने वाली है ठीक है so, यहां पर क्या है इसमें भाई आठ ग्रुप और सात पीरियड मैं हर बार लेकर आती हूं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सात पीरियड है छह नहीं है सात पीरियड है छह नहीं है सात 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 सारे बच्चों ने साथ कर लिया भाई सारे बच्चों ने सात कर दिया कति गर्दा उड़ा दिया भाई कति गर्दा उड़ा दी धुआं दिया गर्दा छोड़ भाई मेरे दुमा ठह दिया हमारे बालकों ने यूपी बोर्ड वालों ने चलिए सो so इट हैज 18 ग्रुप्स एंड सेवन पीरियड्स नोबल गैसेस नहीं प्रेजेंट थी नोबल गैसेस प्रेजेंट थी पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स दैट इज ग्रुप्स एंड पीरियड्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड पोजीशन कुड बी प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स आर अरेज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास एलिमेंट्स आर अरेज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ठीक है बेटा मैं तो कहूंगी इनफ है मैं तो कहूंगी ही कि इनफ है ये सेशन केमिस्ट्री के लिए और तुम्हारे अभी बहुत सारी मैराथन लगते रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कराते रहेंगे सो यस इट इज इनफ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टर्म मन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं यू कैन आस्क दो हमारे बहुत चर्चे हैं भाई चले चले सो लेट्स मूव अहेड अगला क्वेश्चन देखते हैं इज दिस क्लियर टू एवरीबडी किसी को कोई डाउट है कोई विपदा है कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है कोई दुख है कोई दर्द है तो बता दो नहीं है चल लेते हैं फिर आगे अगला क्वेश्चन अब भाई ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है मैं कहती हूँ ना कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो देखकर थोड़ा, थोड़ा एकदम अंदर से झिंझोड़ देंगे अंदर से ऐसे हिला देंगे बिल्कुल तुम लोगों को तो एक बार ये देख लेते हैं एलिमेंट्स फॉर्मिंग आइनिक कंपाउंड अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर शेल अच्छा एक दो तीन चार पांच पांच लाइनों का क्वेश्चन है देखकर एकदम से तो बस आइनिक कुछ भी नहीं है क्वेश्चन को पढ़ के देखो कुछ भी नहीं है, पहली दो में बस लिख है आप लोगों की एक्सप्लेन गिविंग रीजन वाई कार्बन कैन नॉट अटेन सच कन्फिगरेशन इन दिस मैनर टू फॉर्म इट्स कंपाउंड ये कह रहा है कि यार आइनिक कंपाउंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ना ट्रांसफर हो जाता है पर कार्बन ऐसा क्यों नहीं करता है वाई कैन नॉट कार्बन शो दिस लेन देन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन फॉर्म कंपाउंड कार्बन को क्या तलब उठती है कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करने की शेयरिंग करने की वॉट इज द नीड टू डू द शेयरिंग नेम दाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मड इन आइनिक कंपाउंड एंड इन कंपाउंड फॉर्मड बाय कार्बन ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन वाई कार्बन कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस क्वेश्चन में तुम्हारे तीन पार्ट्स हैं तीनों के तीनों पार्ट बहुत ही ज्यादा आसान है पहले पार्ट का मैं आंसर लिख के लेकर आई हूं लास्ट के दो पार्ट्स तुम लोग खुद से कर लोगे पहला पार्ट है कि कार्बन ऐसा क्यों नहीं करता है कार्बन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो क्यों नहीं करता है कार्बन क्यों कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है कार्बन क्यों शेयरिंग करता है कार्बन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं करता है उसका सवाल ही है उसका मुद्दा ही है सुमिति वो पूछ ही रहा है कि क्यों शो कर रहा है कार्बन क्यों कार्बन को क्या दिक्कत है वाई कैन नॉट कार्बन शो आइनिक बॉन्ड वाई कार्बन वाई दिस इज वाई एलिमेंट्स फॉर्मिंग आइनिक कंपाउंड अचीव नोबल गैस कंफिगरेशन ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं सीधी सी बात है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बात खत्म इतना हमने कर लिया केस ऑफ कार्बन इट हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की फिर वही कहानी कि भाई मैं चार रिश्ते बना सकता हूँ चार मेरे पास बॉन्ड है अब बात कुछ इस तरीके की है कि कार्बन के पास चार बॉन्ड्स है उसे चार रुको यार मुझे चार नहीं से दिखाई नहीं जाएगा कार्बन के पास चार बॉन्ड है उसे चार और चाहिए बॉन्डिंग करने के लिए पर उसे कोई चार देने के लिए राजी है ही नहीं मैक्सिमम तीन मिल सकते हैं उसको तो कंप्लीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है उसे शेयरिंग करनी पड़ेगी मान के चलो हमने ट्रांसफर करवा दिया रो पीट के चार इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए तो क्या होगा मैडम एक बार ही पढ़ते हैं हम इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इफ इट गेन्स फोर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है चार इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा वो C माइनस फोर अनाइन बन जाएगा तो इतना सा तुम लिख लोगे कि इफ इट गेन्स फोर इलेक्ट्रॉन तो C माइनस फोर अनाइन बन जाएगा इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर दी न्यूक्लियस विद सिक्स प्रोटोन्स टू होल्ड ऑन टू टेन इलेक्ट्रॉन्स ये लाइन पढ़ो और ये लाइन समझो ये एन सी आर टी की लाइन है तुम्हारे असोशन रीजन में बन के आ सकती है तुम्हारी केस बेस्ड क्वेश्चन में बन के आ सकती है वैल्यू बेस्ड उठा कर दे देंगे कुछ भी बना कर दे सकते हैं सो ट्राई रीडिंग दिस लाइन एंड इज इट मेकिंग एनी सेंस टू यू इज इट क्लियर और नॉट थैंक यू आदित्य बट आई थिंक यू शुड मोर फोकस ऑन वॉट इज बींग टॉट है रादर देन हाउ ब्यूटिफुल योर केमिस्ट्री टीचर इज बिकॉज शी ऑलरेडी नोज दैट शी इज ब्यूटिफुल बट यू शुड फोकस ऑन वॉट इज बींग टॉट है प्लीज जल्दी से हरी हरि अपोलिफ यू हाँ जी हाँ जी टें टेंथ में आता है टेंथ में आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं तन्वी तन्वी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लेते कि दसवीं में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं कहाँ से नहीं इस चीज़ पे नहीं कि मैडम जो पढ़ा रही है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है Carbon compounds are poor electrical conductors because they form covalent bonds and they do not give rise to free electrons. Bilkul, bilkul. Unique girl and Sudanshu. And Anshika, is mein diamond asked about diamond hai. Because in carbon as a... Yes, very good, very good, very good. Hello, Ishita. Good evening. Is it clear? Is this the first line, the first paragraph? Is it clear to all of you? हाँ या ना यस मैम पेल्पेबल क्या बात है ऐसी तो अंग्रेजी सीख कर आते हैं मैडम पर झाड़ झाड़नी होती है पैल्पेबल है तो वो सीधा ये कह रहा है कि यार ना बात कुछ इस तरीके की है कार्बन का दुख हम तुम्हें सुनाते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, है प्रोटॉन्स हैं इतनी सी कहानी सबके समझ में आई तो कार्बन का बड़ा ही ना खुशहाल घर है इसके पास छह छह प्रोटॉन है बड़े राजी है हमने जबरदस्ती उसकी जिंदगी में चार और इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने बोला कार्बन तू स्टेबल नहीं है ना तू चार इलेक्ट्रॉन ले हमने दे दिए कार्बन को चार और इलेक्ट्रॉन्स तो जब मैंने कार्बन को चार और इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कार्बन के पास टोटल दस इलेक्ट्रॉन हो गए पर प्रोटॉन का नंबर तो छ ही रहेगा ना अब हुआ क्या जब मैंने कार्बन को चार और इलेक्ट्रॉन दिए तो टोटल दस इलेक्ट्रॉन हो गए प्रोटॉन के लिए मुश्किल हो गया इन दस इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखना अब जैसे मान के चलो मेरे घर में ना कुछ टाइम में शादी है तो जैसे जो घर का मतलब बड़ी बच्ची होती है उसका काम होता है छोटे छोटे बच्चों को संभालना तो ना मेरी मम्मी बोल देगी यार ये ना ये तेरी बुआ चाची के दो बच्चे इनको तू संभाल ले उनको मैं दो दो चाटे मारकर बिठा दूंगी वो संभल जाएंगे उसके बाद कोई दूर की फुफी आएगी वो बोलेगी कि यार इन दो बच्चों को और संभाल ले स्वाति चलो चार बच्चे हो गए एक स्वाति चार बच्चों को संभाल रही है उनके मैंने एक और चप्पल उप्पल मारे चुपचाप बढ़ी रहे अब उसके बाद क्या हुआ कोई एक दूर की बहन आई जिसने और अपने चार बच्चे सरका दिए भाई एक स्वाति पहले शुरू में दो बच्चों को संभाल रही थी अब फिर उसे एक स्वाति ने दो और बच्चों को संभाल टोटल चार बच्चों को मैंने जैसे तैसे पकड़ रखा था अब उस दूर की बहन ने अपने चार और बच्चे दे दिए माँ भाई कितने कर रखे हैं तुमने उसने चार और दे दिए अब भाई मैं एक अकेली स्वाति कहाँ से आठ बच्चों को संभालूंगी कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा कोई कांच में सर मार रहा है कोई खटके में उंगलियां दे रहा है नहीं संभाल पाऊंगी मैं उसी प्रकार जब छह प्रोटोन और छह इलेक्ट्रॉन थे दोनों के बीच में बराबरी थी इक्वल इक्वल चल रहे थे वो जैसे मैंने चार और इलेक्ट्रॉन दे दिए भाई प्रोटॉन पगला आ गया प्रोटॉन बोलेगा भाई कहाँ से पकड़ू इतने इलेक्ट्रॉन्स को मैं मेरे पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं इतने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखू इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना कंट्रोल अपना अट्रैक्शन बनाए रखू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की न्यूट्रलिटी में गड़बड़ हो जाती है एटम की स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाएगी स्वाति मैम पागल हो जाएगी केमिस्ट्री भूल जाऊंगी मैं इधर उधर इधर उधर भागती हुई तो दिक्कत होएगी। होगी so, उसी प्रकार यहां पर भी यही चीज लिखी है कि अगर उसने चार इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो सी माइनस फोर एंड वॉट इज गोइंग टू डिफिकल्ट मुश्किल होगा न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस में क्या है छह प्रोटॉन। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं ना तो कह रहे हैं इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद सिक्स प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू दी टेन इलेक्ट्रॉन सो आई ऑल ऑफ यू लाइन तुम लोगों को अपने लगा और मेरे को पता चला कि तुम लोग ये लाइन लिख के नहीं आए हो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा आई बात समझ में अब अगली लाइन भी बड़ी ही खूबसूरत है बड़ी ही प्यारी शायरी है अगली लाइन में भी इफ इट लूज फोर इलेक्ट्रॉन तो C प्लस फोर केटाइन बन जाएगा अच्छा जी शुरू में अनायन बन रहा था अब केटाइन बन रहा है कटायन तो मैडम आसान होना चाहिए ना पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जा रहा था इसीलिए प्रोटॉन के लिए मुश्किल था उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रखना बट सेकंड केस में तो हम uh, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम कर रहे हैं वी आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैडम अब किसी आप पे होने हैं मैं अब, क्या दिक्कत होनी है? अब भी दिक्कत होनी है इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव फोर इलेक्ट्रॉन कार्बन बोलेगा मैं क्यों दू अपने और चार इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास तो पहले ही कम है तुम और मेरे चार इलेक्ट्रॉन्स ले जाओ का वो देगा ही नहीं खींच खींच के निकालना पड़ेगा जैसे तुम लोग जब स्कूल में जाया करते थे तो तुम्हें ऐसे खींच खींच के नहीं अंदर स्कूल में डालना पड़ता था जब तुम के जी प्रेप रेप में हुआ करते थे मम्मी नहीं नहीं जाना पापा आई आई टू क्राई मैं मेरे मेरे दादा को ड्रॉप करने के लिए जाते थे एक छोटा सा जंगला हुआ करता था उसमें खड़ी होकर रोया करती थी बाबा मैंने घर ले जाओ मेरे मेरे इंग्लिश मीडियम स्कूल की टीचर सोचती थी भाई ये चार साल की लड़की भी हरियाणवी बोल लेती है क्या बाबा मैने घर ले जा मन घर जाने सो so, इट्स लाइक तुम रिटेलिएट करते हो बहुत ज्यादा सिमिलरली दिस फोर इलेक्ट्रॉन्स दे विल रिटेलिएट कि नहीं हमें नहीं छोड़ना है हमारे न्यूक्लियस को हम छोड़कर नहीं जाएंगे सो इट इज गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दीज इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन ना ही चार इलेक्ट्रॉन लेकर राजी है ना ही चार पूरे इलेक्ट्रॉन्स देकर राजी है तो कार्बन कहे का भाई करूं तो क्या करूं जिंदगी में सुकून ही नहीं है देन भगवान वो कि भाई तू कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा भाई तू सबसे चिल होगा भाई तू सबसे न्यारा होगा तू हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेगा सो दैट इज द रीजन दैट कार्बन विल नॉट शो आईन बॉन्ड कार्बन विल शो योर कोवलेंट बॉन्डिंग अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू चलिए सो so एक बारी प्लीज अगेन गो थ्रू दीज लाइन्स एंड आई होप चीजें तुम्हें अब समझ में आ गई होंगी बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनसीआर टी का सेम टेपे टिपाई लाइन है और पूछा जाता है ये सवाल ठीक है करिए जल्दी जल्दी से 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 फटाफट बोलो भाई क्या बात है हमारी क्लास में इतने सारे बच्चे आई एम सो सो टू सी मेनी स्टूडेंट्स तो खून बढ़ जाता है मेरा ओहो चलिए सो जल्दी से लेट्स सी इज इट क्लियर मैं आगे बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया अब वहां पे पहला पार्ट तो ये था कि कार्बन ऐसा क्यों नहीं करता है दूसरा पार्ट था कि आयनिक बॉन्ड्स जो बनाते हैं उनका नाम क्या होता है द अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स आज क्यों मैम वॉट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मैम क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रोवेंट बॉन्ड जो आइनिक कंपाउंड में होते हैं अच्छा तो कोवलेंट कम्पाउंड में कौन से बॉन्ड होते होंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड होते होंगे मैम आइनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं तो मैम कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होते होंगे है ना

फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तुमसे ये पूछा जाए कि भाई नमक में कंडक्टिविटी है परंतु डायमंड में कंडक्टिविटी नहीं है क्यों 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 क्योंकि नमक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बट डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कभी भी कंडक्टिविटी का कोई क्वेश्चन आए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का गाना गाने लग जाना नंबर मिल जाएगा आई बात समझ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का गाना गाना है क्या बात है बहुत ही बढ़िया आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अब ये एक सवाल है जो तुम्हारी सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में देख के तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दी जो आज तक कोई नहीं उड़ा पाया सीबीएसई ने वो काम करते मेरी तक रातों की नींदें उड़ा दी थी किसी में हिम्मत नहीं थी मैं डर गई और मगर मेरे बच्चों के आइसोमेरिज्म में से किस प्रकार क्वेश्चन आ गए आइसोमेरिज्म तो था ही नहीं टॉपिक में तो मैंने सोचा एक बारी तुम लोगों को एक ना फॉर्मेट दे देती हूं मैं कि जब आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा इस तरीके से तुम्हें उसे अप्रोच करना है भाई सीबीएसई नहीं है किसी का सगा मैं अपनी हर क्लास में सीबीएसई को इतना कोसती हूँ केस ठोकना इन्होंने मेरे ऊपर तो मैं वापस से बोल देती हूँ ये जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ ये केवल हास्य के लिए है ये सारी चीजें हम लोग केवल मजाक में बोल रहे हैं ठीक है मेरे ऊपर प्लीज किसी भी प्रकार का केस मत कीजिएगा ओके सो या बट एग्जैक्टली वी डू नॉट नो यार जो एग्जामिनर है उसकी मेंटेलिटी क्या है वो किस बेसिस पे हमारा पेपर सेट कर रहा है सो वी नीड टू बी रियली कॉशियस पहला क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म करो डेफिनेशन लिखी लिखाई दे रही हूँ समझाऊंगी उसे याद कर लेना नहीं भूलोगे आइसोमेरिज्म के ऊपर एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है फोर कैरेक्टरिस्टिक्स चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसके बाद ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखा दूंगी बाकी धीरे धीरे सिखाती रहूंगी मैं ठीक है तो आइसोमेरिज्म में से तीन सवाल बन सकते हैं दो सवाल इस क्लास में तुम्हारे निपट जाएंगे एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म एंड ऑफ रही बात अलग अलग टाइप के आइसोमर्स बनाने की वो धीरे 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 हम सीखते रहेंगे ओके चलिए सो डेफिनेशन देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या है आइसोमेरिज्म समझने के लिए पहले आपको आइसोमर्स समझना होगा जिसे बीटीएस आर्मी की डेफिनेशन क्या है या स्वाति आर्मी की डेफिनेशन क्या है तो स्वाति आर्मी की डेफिनेशन समझने के पहले आपको स्वाति आर्म क्या है यह समझना होगा सो सिमिलरली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भैया जी आइसोमेरिज्म क्या होता है आपको यह समझना होगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देती हूँ बच्चन फैमिली है बच्चन फैमिली में कौन-कौन प्रेजेंट है भाई अमिताभ बच्चन प्रेजेंट है अभिषेक बच्चन प्रेजेंट है ऐश्वर्य राय है आराध्या है तो मैं तुमसे पूछूं कि भाई बच्चन फैमिली का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी फैमिली का क्या मतलब है कि भाई इस फैमिली में कौन कौन प्रेजेंट है बट इस फैमिली में ये लोग आपस में किस तरीके से रिलेटेड है दैट इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट एक क्वेश्चन आया था जैसे आज यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का कि भाई प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या है हम लोग असलियत में मतलब अक्सर प्रोपेनल का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ बट उन्होंने ये ऑप्शन में दे ही नहीं रखा था उन्होंने ये नहीं दे रखा था ऑप्शन में ऑप्शन में उन्होंने दे रखा था सी थ्री एच सिक्स ओ अब ये सी थ्री एच सिक्स ओ क्या बता रहा है मुझे कि भाई प्रोपेनल में ना तीन कार्बन है छह हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है तो बेटा ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मुला होता है बच्चन फैमिली में भाई अमिताभ बच्चन प्रेजेंट है ऐश्वर्या राय प्रेजेंट है अभिषेक बच्चन प्रेजेंट है ये सारी चीजें प्रेजेंट है अमिताभ और ऐश्वर्या नहीं अमिताभ और ऐश्वर्या नहीं यार वो तो सास ससुर वो है ससुर और बहू है क्या है उसके पति का नाम क्या ऐश्वर्या के पति का नाम क्या ऐश्वर्य के पति का नाम अभिषेक बच्चन सो so, ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन वो साथ में किस तरीके से रिलेटेड है हस्बैंड वाइफ है जया बच्चन और हमारे बेटा पूनम आपके ना सैंपल पेपर में आइसोमर्स का क्वेश्चन दे रखा है इसीलिए मैं करा रही हूं ठीक है अब जैसे आराध्या अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है ये आपके वही है मतलब बाप बेटी है आ, माँ बेटी है हस्बैंड वाइफ है आपस में इस तरीके से रिलेटेड है सो so, ये होता है हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला और एक होता है अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक तो, है तो आइसोमर्स दोस्त जिनके मॉलिकुलर फॉर्मुला सेम रहते हैं बट स्ट्रक्सरिज्म क्लियर टू ऑल बेटा सीबीएसई में ना स्टेटस यार नाम भी एक तो तुम ऐसे रखते हो मेरे को शर्म आती बोलते हो स्टेटस क्वीन स्टोरी क्वीन बेटा ये ना आ नहीं रखा है हटा दिया है ये हमारे बोर्ड से बट मैं हर बारी वही मतलब वही लाइन कहूंगी जो मैं हर बारी कहती हूँ सीबीएसई बोर्ड में हमारे चाचा ताऊ फूफा बुआ जिजा नहीं बैठे हैं दे कैन प्रिटी मच गिव एनी थिंग दे वॉन्ट टू अगर उन्होंने सैंपल पेपर में एथेनॉल मेंशन कर दिया है दे कैन गिव एथेनॉल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगर उन्होंने सैंपल पेपर में आइसोमर्स मेंशन कर दिया है दे कैन गिव क्वेश्चन ऑन आइसोमर्स अब पेपर में बैठ के तुम ये तो पछताओगे नहीं ये तो बैठ के तुम पछताओगे ना कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा है मैंने क्यों सोचा कि ये डिलीटेड है सो so, यू ना दुर्घटना से देरी भली वाली चीज है थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को समझने में थोड़ी देर लगेगी इस चीज को समझने में पर दुर्घटना नहीं होगी तो दुर्घटना से देरी भली आई बात समझ में तो यहां पर आप लोगों के आइसोमर्स क्लियर हो गए हैं कि ऐसी चीजें जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें हम आइसोमेरिज्म कह देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं आइसोमर्स आर पॉसिबल ओनली फॉर दोज हाइड्रोकार्बन जिनमें चार या चार से ज्यादा कार्बन होते हैं जिन बच्चों को आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आ रहा है या जिन्हें नहीं समझना है तो बेटा याद कर ले यार गिनती की एक दो तीन ने एक दो ढाई 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 तीन चार पांच छह सात गिनती की सात लाइने हैं यार सात लाइने तुम्हारे तीन नंबर बचा सकती है अगर ये क्वेश्चन आ गया तो है ना भाई ना धोखेबाजों का खानदान बैठा है बोर्ड में तो हम नहीं कर सकते ना उन्होंने तो मना करा था कि नहीं आएगा उन्होंने तो मना करा था कि भाई ये सारी चीजें नहीं बट सैंपल पेपर में दे दिया ना सैंपल पेपर में गंद मचा दिया ना तो वही वाली चीज है ठीक है चलिए तो सेम मॉलिक्युलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है और वही हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों का आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं जिनमें चार से ज़्यादा कार्बन होते हैं ड्यू टू आइसोमेरिज्म गिवन मॉलिकुलर फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड एक से ज्यादा तरीके से ड्यू टू आइसोमेरिज्म द डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज मुझे पता है एक क्लास में तुम्हें शायद ये सारी की सारी की चीजें याद ना भी हो कोई नहीं ये पीपीटी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दी जाएगी वहां पर बैठकर याद कर लेना बेटा तीन नंबरों का सवाल है प्लीज सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन गिवन था इसीलिए मैं करा रही हूँ ना मेरे को कोई शौक नहीं है मेरे कति चाव नहीं है तो मैं आइसोमेरिज्म कराने का पर मुझे कराना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने सैंपल पेपर में दे रखा है आई व समझ समझ में? में? तो तो इस चीज़ को याद रख ना दुर्घटना से देरी भली, आई बात में। आज टाइम लगा लोगे, तो उस दिन बैठकर गुणगान गाओगे मेरे तुम oh, 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 भगवान, ऐसी स्वाति मैडम सबको दे कि मैंने तुम्हें रटवा दी है ये सारी की सारी की चीज़ें। जिसमें पूछा है तुमसे कौन से होंगे अब तुम्हारे चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री के बस दो दो आ रहे हैं दस नंबरों के तो उसमें से वो कुछ ही भी चीजें उठा पटक के सवाल पूछ सकते हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा होमोलोगो सीरीज का क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाए मेरी क्लास में एक स्टूडेंट आता है सचिन उसने मेरे को एक क्वेश्चन बोला मेरे को कॉन्स्टेंटली टेक्सट करो मैम प्लीज बता दीजिए मैम मेरा पेपर है मैम मैं, मैं फेल हो जाऊंगा मैम ये मैम वो मेरे को लगा यार होगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन और वो क्वेश्चन था होमोलोगो सीरीज के ऊपर बेस्ड तो मैं नहीं चाहती हूं कि यही हालात तुम्हारे हो एग्जाम से पहले तो होमोलोग सीरीज के क्वेश्चन एक बारी पक्के कर लेते हैं क्या बात है सुमिति बोल रही है सी थ्री एच एट आशुतोष बोल रहा है सी थ्री एच सिक्स प्रत्युष बेटा जवाब दे फिर मैं बताती हूं मैं कहां से हूं आशुतोष बोल रहा है सी फाइव एच एट क्या बात है विजिबल नहीं है सी टू एच फोर लिखा है बेटा ऊपर लिखा है सी और नीचे लिखा है सी भाई जल्दी 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 फटाफट से अभी भी सारे बच्चों ने सेशन को लाइक दिया जल्दी से लाइक करो मैं यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ ठीक है भाई देखो सी अच्छा नेक्स्ट होमोलोग का क्या मतलब है कि इसमें मुझे बस सी एच टू एड कर देना है भाई जिन बच्चों को अभी तक होमोलोग का लॉजिक नहीं पता है होमोलोग हम ना पड़ोसी देखते हैं सक्सेसिव मतलब जो उससे अगला होमोलोग है तो अगर मुझे सी टू एच फोर का सक्सेसिव होमोलोग निकालना हो सी टू एच फोर का एडजेसेंट होमोलोग निकालना हो सी टू एच फोर का नेक्स्ट होमोलोग निकालना हो बात एक ही है मुझे क्या करना है केवल सी एच टू को एड कर देना है अब एड तो करना आता होगा ना यहाँ पर बेटा दो कार्बन है एक कार्बन मैंने दे दिया कितने हो गए तीन कार्बन हो गए मैडम जी अच्छा ठीक है बेटा जी चार हाइड्रोजन थे दो हाइड्रोजन मैंने दे दिए छह हाइड्रोजन हो गए तो सी थ्री एच सिक्स आ गया अब मेरे पास है सी फोर एच सिक्स का क्या होगा कुछ नहीं करना है मैडम बस सी एच टू हमें एड कर देना है तो यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट होमोलोग नेक्स्ट होमोलोग यानी कि बिल्कुल ही अगला होमोलोग आपको बताना है तो यहां पर भी हमने जोड़ दिया भैया जी सी एच टू चार हाइड्रोजन था दो हाइड्रोजन जोड़ दिया भैया जी सी फाइव हो गया छह हाइड्रोजन था दो हाइड्रोजन जोड़ दिया बस मामला सेट है सेट है कि नहीं है मामला सेट है कि नहीं है अरे मैडम बिल्कुल है मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता कि मामला सेट ना हो इतना आसान इतना बढ़िया क्वेश्चन आगे बात समझ में सेट है भाई अर्शदीप का भी मामला सेट है प्रतीक्षा का भी सबका सेट है ठीक है चलिए तो अगला सवाल देखते हैं फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर एलिमेंट्स ईच हैविंग सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम का पता है ये बात कि भैया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो है दे बिलोंग टू दी सेवनटीन ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड दे हैव सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम पता है ये आई बात समझ में टिव जल्दी से बता दीजिए हा हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं इधर वे तुम लोगों को जो ठीक लगे वही वाले करिए ब्रिटिश कोलेबोरेशन की है ये ब्रिटिश काउंसिल वाले कौन से क्वेश्चन बैंक है भाई ये ब्रिटिश काउंसिल के साथ कब से कोलैबोरेशन होने लग गया हाय आई एम सो हैप्पी प्रत्युष बहुत ही बढ़िया किसका जनरल फार्मूला बताना है राजवीर किसका जनरल फार्मूला बताना है बेटा बी स्पेसिफिक हेलो सौरभ वेलकम टू आर सेशन जल्दी से होमोलोग्स होमोलोग्स का या होमो का यार नहीं होता बेटा जनरल फॉर्मूला आपकी हर एक होमोलोग सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है पहले आप ये क्वेश्चन कीजिए फिर मैं आपको जो तीन मेन होमोलोग सीरीज है आपकी एल्केन एल्किन एल्काइन उनके जनरल फॉर्मूला बता दूंगी ठीक है चलिए सो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ब्रोमीन होगा करेक्ट आंसर ब्रोमीन की लहर चलते हुए सो देख लेते हैं एक बारी फ्लोरीन फ्लोरिन क्लोरीन ब्रोमीन किस ऑर्डर में होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में अच्छा अक्सर ना बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं या हॉरिजोनटल ग्रुप्स होते हैं क्या लगता है तुम्हें हमने पढ़ा ही नहीं है कि हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल रोज को ग्रुप्स कहते हैं कि पीरियड्स कहते हैं वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स कहते हैं कि पीरियड्स कहते हैं जल्दी से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ क्योंकि मैं पर्सनली बहुत कंफ्यूज रहा करती थी स्कूल में फिर मैंने अपना खुद का एक नेमोनिक बना लिया जल्दी से बताइए वर्टिकल ग्रुप्स होती है कि पीरियड्स होते हैं वर्टिकल बताओ बस हाँ बढ़िया है ब्रोमीन फ्लोरीन की लहर चालू होते हुए कह हर्षिता वर्टिकल ग्रुप होते हैं सूरज बोल रहा है वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं सुमिति बोल रही है वर्टिकल पीरियड होते हैं सुमिति बोल रही है रोज पीरियड हो रहे हैं तनिष्क मैं बिल्कुल समझाऊंगी रुक जा गुस्सा ना कर शांत हो जा एक निमोनिक बताती दी निमोनिक तो क्या ही एक तरीके की ट्रिक है याद रख लेना स्कूल में वाइस चेयरमैन होता है ना एक तो चेयरमैन होता है जो सबका दादा होता है फिर उससे जो नीचे वाला छोटा दादा होता है उसको हम लोग वाइस चेयरमैन कहते हैं सबके स्कूल में था ना मेरे स्कूल में भी थी सबके में होता है होता नहीं है कुछ इनके बस के वो नाम नाम का होता है सो वाइज चेयरमैन जी वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स होंगे वाइस चेयरमैन जी ऐसे याद किया था मैंने क्योंकि हमारे वाइस चेयरमैन एक अलग ही अखंड आदमी थे तो वाइस चेयरमैन जी ऐसे याद कर सकते हो वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स होंगे तो हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स ही होंगे हमारे अब जल्दी से इनको ग्रुप्स में अरेंज करते हैं ग्रुप्स में किस ऑर्डर में होंगे बेटा ये सबसे पहले फ्लोरिना आएगा जिस बच्चे को समझ में नहीं आया चुपचाप एक बारी बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा बहुत ही बढ़िया हाँ कॉन्सेप्ट यहां पर समझाऊंगी कभी भी भूलोगे और बढ़िया हाँ नंबर आएंगे 1 2 3 आईज ऑन मी सारे के सारे यहाँ पर देखो सबसे ऊपर आएगा बेटा फ्लोरीन उसके बाद आएगा बेटा क्लोरीन उसके बाद आएगा ब्रोमीन ये ऑर्डर तेरे को खुद याद रखना पड़ेगा कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का अक्रॉस ग्रुप क्या ऑर्डर होता है ये तेरा खुद का है अब मैंने तुम्हें एक पैटर्न बताया है कि जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है एटॉमिक एटॉमिक रेडियस रेडियस तो का का सारे सारे ब्रोमीन का का लार्जेस्ट होगा। इसीलिए मेरा आंसर वाई इज फ्लोरीन मेरा आंसर फ्लोरीन मेरा आंसर इसीलिए कि देख बेटा जब मैं टॉप टू बॉटम जा रही हूं ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घट रही है अब आप बोलोगे मैडम रिएक्टिविटी एक अलग कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन गेन करना एक अलग कॉन्सेप्ट है इन दोनों का संगम कैसे कराया मैडम आपने टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है

है वो तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को लपक लेता है वो तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है इसीलिए फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन से कम रिएक्टिव क्लोरीन होगा क्लोरीन से कम रिएक्टिव ब्रोमीन होगा ब्रोमीन से कम रिएक्टिव आयोडीन होगा एंड सो ऑन हमारा ऑर्डर चलता जाएगा आई बात समझ में सबको तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन uh, और जस्टिफाई तो, तो तुम्हें करना आता है अपनी हर एक चीजों को जस्टिफाई तुम कर ही देते हो तो जस्टिफिकेशन भी आप दे सकते हो पहले वाले का जस्टिफिकेशन क्या दोगे एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम दटोमिक रेडियस इनक्रीजेस बस इतना लिखना है एक नंबर में बस इतना लिखना है सेकंड वाले में क्या लिखोगे एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस ठीक है किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए यहां बैठी हूं कह रही हूं तुम ना किसी दिन ना गाली दे दूंगी मैं तो मैं ऐसी वैसी नहीं देती मैं मूर्ख कह दूंगी देख लो जल्दी से फटाफट से यार जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक दिस सेशन क्या हाल चाल है आयुषी आपके क्या हाल चाल किसी को कोई डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम जल्दी से बता दीजिए भाई देखो यार तुम लोग अपना डेटा फूक रहे हो क्लास में बैठ रहे हो तो डाउट पूछ ही लिया करो नहीं किस बात की शर्म है वैसे भी तो दुनिया ही हाँ क्या आशकी करती है वैसे भी तो एक दूसरे के नंबर वम्बर मांगते हो तुम डाउट ही पूछ लिया करो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई नहीं धमकाएगा तुम्हें मेरी क्लास में डाउट पूछने की कोई भी वो नहीं है ठीक है जल्दी से बता दीजिए हाँ लाइक हो सारे के सारे नहीं नहीं मैं नहीं देती यार गाली नेवर अब्यूज मैं कभी भी गाली नहीं देती हूँ आई आई ऑलवेज हेटेड सच वर्ड्स ठीक है मैम काश पेपर में आपको जस्टिफाई करने को आ जाए हाय ओहो हो क्या बात है मतलब कतई ऐसे तो जहर जहर डायलॉग बुलवा लो तुमसे कि मैम हमारे एग्जाम में यूं आ जाए कि अपनी ना स्वाति मैम का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन लिखे अपनी ना स्वाति मैम को वो कर दीजिए आप एकदम बढ़िया से डिस्क्राइब कर दीजिए मैडम फुल बटे बटे नंबर लेकर आएंगे हम बेटा सविता नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है है ठीक मेरे टीन के टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ही नॉन मेटालिक कैरेक्टर है तेरा बेटा देख चाहे किसी क्वेश्चन में ये इस चीज को लिख लो बहुत से ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस चीज को लिख लो चाहे किसी क्वेश्चन में टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन लिख रखा हो चाहे किसी क्वेश्चन में नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिख रखा हो बात बेटा सेम ही होती है सेम सेम होता है क्या होता है सेम 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 होता है सेम 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 पिंच करते हैं ये एक दूसरे को सेम सेम -sam होता है तो चाहे मैं बोलू कि टॉप टू बॉटम द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस और टॉप टू बॉटम दी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एक ही बात होती है आई बात समझ में चले फ्रॉम मंगल ग्रह बेटा स्पेलिंग तो सही लिखिए मंगल ग्रह के चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू एटोमिक रेडियस वैलेंसी एंड मेटेलिक कैरेक्टर वेरी ऑन मूविंग अब इस एक क्वेश्चन ने तुम्हारे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल का आधा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देना है कि भाई एटॉमिक रेडियस वैलेंसी और मैटेलिक कैरेक्टर किस प्रकार वेरी करता है पहली बात जब तुम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हो दूसरी बात जब तुम डाउन द ग्रुप मूव करते हो अब मेरे क्लास में जितने भी बच्चे मौजूद हैं जितने भी पचास साठ बच्चे सेशन देख रहे हैं सबको कोई ना कोई रफ आइडिया होगा कि भाई किस तरीके से लेफ्ट टू राइट चीजें में भी तो टाइम लगता है ना गेंशन इंपैक्ट समझने में भी तो टाइम लगता, तो लगता है ना और मैं इन गेम्स का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यही गेम मैंने खेले है पबजी मेरे से कभी समझा ही नहीं गया तो मैंने छोड़ दिया पर तुम नहीं कर सकते हो ऐसे केमिस्ट्री के साथ तो इंतजार कर चलिए अब एक बारी जल्दी से तुम्हें मैं समझाती हूँ कि इसको तुम एग्जाम में लिख के कैसे आओगे क्योंकि मान के चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारा सिर्फ दो नंबर का सो so, दो नंबर के क्वेश्चन में तुम किस तरीके से इस चीज को अटेम्प्ट करोगे वो मैं तुम्हें यहाँ पर समझाऊंगी तो so, सारे के सारे चुपचाप बैठ के बस सुनते रहना किस तरीके से मैं चीजें समझा रही हूँ समझाने के बाद फिर मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी और तब तुम अपने दुख दर्द मुझे बता सकते हो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर लिखना है अक्रॉस दीरियड तो एग्जाम में ऐसे लिखना है ए करोस दीरियड दबसे पहला क्या है एटोमिक रेडियस तो लिखो द एटोमिक रेडियस डिक्रीजेज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट तुम्हें इस तरीके से नहीं लिखना है मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूं तुम्हें यह शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है तुम्हें प्रॉपरली लिखना है चीजों को सो लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस दी वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस और पीपीटी मिल जाएगी सारे बच्चों को जो भी बच्चा ये क्लास अटेंड कर रहा है ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल गेट दिस पीपीटी लिखी लिखाई चीजें तो तुम्हें मिल जाएंगी जो यूट्यूब पर है टेलीग्राम में मिल जाएगा जो व्हाट्सएप पर है उन्हें मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी बेटा शिवम बारी, बारी बारी प्लीज एक ही आंसर को स्पैम ना कीजिए बाकी बच्चों के आंसर फिर मुझे दिख नहीं पाते हैं मैंने देख लिया है आपका आंसर ठीक है वैलेंसी में बहुत सारे बच्चे गंद मचा कर आएंगे तो वैलेंसी पे ध्यान दो वैलेंसी फर्स्ट इनक्रीजेस पहले बढ़ती है फर्स्ट इनक्रीजेस फ्रॉम वन टू फोर एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम फोर टू जीरो अगला क्या है मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर

ठीक है यार ये क्लास डेली होती है चार बजे सो रोज चार बजे होगी आ जाना सारे के सारे ठीक है एक से चार चार से जीरो तक चीजें चलती रहती हैं जिस भी बच्चे को टेपना है एक बार इसको बढ़िया तरीके से टेप लीजिए डाउन द ग्रुप क्या होगा एटॉमिक रेडिस राजवीर आपको ना डिस्क्रिप्शन में जो ये क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन होगा वो लिंक होगा आपके टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन दैट ग्रुप और उसमें सारी की सारी पीपीटी ऑलरेडी सेंट होती है गया समझ में यस yes, एग्जैक्टली exactly. अगर ये क्वेश्चन आता तुम्हारा पांच नंबर में तो तुम पूरा जस्टिफाई करते कि भाई क्यों बढ़ रहा है ये क्वेश्चन है तुम्हारे दो नंबर का तो तुम्हें जस्टिफाई करना ही नहीं है किसी ने जस्टिफिकेशन पूछी ही नहीं है प्रतीक्षा को वैलेंसी वाला समझ में नहीं आया है वैलेंसी में समझाऊंगी प्रतीक्षा रुकी

rewrite the following statements after correction giving reasons अब ये ना मेरे को बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है तुम्हें दो स्टेटमेंट गिवन है उन स्टेटमेंट में दी गई मिस्टेक्स आपको छांटनी है और वो छांटने के बाद आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है जल्दी से करके दिखाओ फटाफट से हां जी 11 तारीख से 11 तारीख से शुरू हो रही है हमारी एक सीरीज 10 तारीख को विनय सर का मैराथन होगा जिसमें वो पूरी की पूरी बायो फिनिश करवाएंगे 11 तारीख से वन शॉट रिवीजनस शुरू हो जाएंगे ठीक है चलिए फटाफट से बताइए एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव इक्वल वैलेंसी इस स्टेटमेंट में दी गई एक मिस्टेक छाट के मुझे बताइए फटाफट से ऑल ऑफ यू यार कुमकुम -कुम, इन्फर्नो क्रैश कोर्स ना अपना 10 तारीख को खत्म हो रहा है इसीलिए सबसे पहले मैं आ रही हूँ वन शॉट रिवीजन में कि तुम्हारा वन शॉट रिवीजन के सहारे मैं पूरा का पूरा खत्म करवा दूं पीरियड की जगह ग्रुप आएगा क्या बात है जल्दी से बताइएगा पीरियड की जगह ग्रुप आएगा बेटा 7:30 बजे होगा 11 तारीख से 7:30 बजे स्वाति मैम फिर से आएंगी भाई क्या बात है क्या बात है सेम ग्रुप में होगा सारे बच्चे कह रहे हैं दिव्या भी यही कह रही है सविता कह रही है ये रॉन्ग है सविता ये रॉन्ग क्यों है भाई सुमित भी यही कह रही है गुड इवनिंग आयुष्मान बेटा एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ओ हो 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 कितनी खुश कर दिया मतलब कितनी राजी कर दिया यस वेरी गुड एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी चलो मिस्टेक तो तुमने निकाल ली अब एक्सप्लेन भी कर दो फिर मेरे भाई लोग एक्सप्लेन कर दो दैट वाई बिलोंग टू क्यों है क्यों है क्यों है क्यों है ऐसा मैम बिकॉज दे हैव द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लोगे लिख लोगे सारे के सारे यस वेरी गुड राजवीर पीरियड में तो नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं क्या बात है इतना खुश कर दिया इतना खुश चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यहां पे आगे रीजन भी लिखना ना इसमें लिखा है ना गिविंग रीजन सो एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव इक्वल बैलेंसी बिकॉज दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चली दूसरी वाली में गलतियां निकालते गलतियां छाटने में तो हमारे सारे बच्चे फरवट है सारे के सारे फरवट है वेरी गुड अशदीफ शाबाश कंप्यूटर से आपको खासी होगी मैं संभाल लूंगी आप थोड़ी देर बाहर घुमाओ नहीं मैं तो नहीं, मतलब बड़े परेशान लग रहा मुझे हम दुख होता है मैं आपको ऐसे परेशान देखकर कोई नहीं आप काटाओ चक्कर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इनक्रीजेस ग्रेजुअली ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनक्रीजेस होगा डिक्रीजेस होगा भाई क्या बात है क्या बात है क्या बात है यस yes. डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा अब रीजन क्या लिखोगे क्यू डिक्रीज हो रहा है क्यू डिक्रीज हो रहा है जल्दी से बताइए बेटा ये क्रैश कोर्स जो है हमारा 10 तारीख को खत्म हो रहा है 10 तारीख तक बस आप लोगों की क्लासेस लगेंगी तब तक बढ़िया तरीके से सारी क्लासेस अटेंड कीजिए भैया जी काई डिक्रीज हो रहा है बसा दिए एलिमेंट तेजस बसा एलिमेंट का हुआ था बेटा जी क्या होता है ये जल्दी से बताइए इज इट गोइंग तो टू डिक्रीज बताइएंग द रीजन आई द रीजन क्यों डिक्रीज हो रहा है आशुतोष प्लीज काम ना कर बेटा प्लीज अरे सुमिति बेटा ये तो बता दे क्यों डिक्रीज हो रहा है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इज डिक्रीजिंग दिव्या एज वी मूव लेफ्ट टू राइट तो है बट वाई आई एम आस्किंग यू वाई वाई ये तो वही वाली बात होगी तुम्हारे पास आया वर्षा का फोन मम्मी ने फोन उठाया वो वर्षा नहीं था वो निकला कोई विक्की है मम्मी पूछती कि तुमने इसका नाम वर्षा से क्यों तो क्योंकि इसका नाम वर्षा ही नहीं, 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 नहीं तुमने किया एक लड़के एक नंबर सेव जिसका नाम था कशिश ठीक है अब कशिश तो जनरली लड़कियों का नाम होता है आया कशिश का फोन मम्मी ने फोन उठा लिया तुम बाथरूम में थे मम्मी पूछती कि हाँ हेलो कौन वो वहां से बोलता और भाई आज आ रही है ट्यूशन पे तू वो कशिश लड़की नहीं वो कशिश कोई लड़का निकला मम्मी आई मम्मी ने पकड़ी तुम्हारी गुद्दी मम्मी ने बोला तूने इस लड़के का नाम कशिश के नाम से क्यों सेव किया तूने बोला मम्मी क्योंकि उसका नाम कशिश है मम्मी पूछ रही पर तूने कशिश के साथ सेव क्यों किया तूने बोला क्योंकि मम्मी उसका नाम कशिश है मम्मी कारण पूछ रही कि तूने उसका नंबर सेव ही क्यों किया सो so, सिमिलरली मुझे पता है कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है पर क्यों डिक्रीज हो रहा है क्यों मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है जल्दी से बताइए इतने ही आसान क्वेश्चन आएंगे क्योंकि मैडम ने पढ़ाया इतने बढ़िया तरीके से पेपर लीक करवा रही हूं मैं तुम्हारे यस बिकॉज दी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज सीधी सीधी चीज़ लिखनी है आई बात समझ में तो मम्मी ने पूछा ना कि कशिश का नंबर क्यों सेव किया तो बता देना क्यों सेव किया है जिद नहीं करने बैठनी है, ठीक है चले तो आगे चलते हैं बिना किसी दिक्कत के इन द पीरियॉडिक टेबल हाउ डज दी ऑफ एटम्स टू लूज इलेक्ट्रॉन तनु ये क्वेश्चन तेरे लिए है किसने पूछा था तनु ने पूछा था या तनवी ने पूछा था बेटा ये सवाल तेरे लिए है ठीक है अच्छा सॉरी ओह oh, 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 oh. तुम्हारी मम्मी भी ये सेशन सुनती है कल ही किसी की मम्मी ने तारीफ किया था कि ये मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है आज वही बोलेगी कोई जरूरत नहीं है इससे पढ़ने की येस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन पूछा है तो यहाँ पर क्या पूछा है मेटेलिक कैरेक्टर पूछा है या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पूछा है क्योंकि मैम बोली थी सेव करने के लिए ये बहुत बढ़िया है मैंने भी ना एक बार ऐसी चीज़ करी थी मैं ट्यूशन पे गई थी तो ना उसमें ट्यूशन में मेरे पास पी भी थी तो मैंने केमिस्ट्री का पे... मेरा उस दिन पी का पेपर था तो मैंने ना केमिस्ट्री का पेपर अटैम्प्ट कर लिया बायो का पेपर अटैम्प्ट कर लिया फिजिक्स मुझको आती ही नहीं थी बड़ा डब्बा गोल था मेरा फिजिक्स में है भी अब भी है तो मैंने ना फिजिक्स नहीं अटैम्प्ट करी ट्यूशन टीचर का कॉल आया कि सर आपकी बेटी के इतने इतने नंबर हैं

बहुत बढ़िया so पर हम कह रहे हैं शिवम नहीं बेटा lose electrons में आता है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर यार मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखवा दिया ना तुम्हें हाँ गेन इलेक्ट्रॉन होता है बेटा तेरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड लूज इलेक्ट्रॉन से तेरा मतलब होता है मेटैलिक कैरेक्टर शिवम इसको करेक्ट करिए बेटा जी करेक्ट करिए इसको इलेक्ट्रॉन्स की बात हो या गेन गेन सॉरी 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 नहीं मेटालिक कैरेक्टर की, की बात हो यार मैंने इतने तो झूठ बोले हैं ना इतने झूठ बोले मेरे स्कूल टाइम में क्योंकि यार टीचर्स अच्छी मिली ही नहीं थी इसलिए तो मैं टीचर बनी हूं ताकि तुम्हें ना झूठ बोलना पड़े तुम्हारे उसमें पेपर में कभी भी दस नंबर ना आए और तुम्हें कभी भी जिंदगी में दस को आठ ना करना पड़े क्योंकि मैंने किया था ऐसा और तुम्हें नहीं करने दूंगी मैं आए थे मेरे गणित में दस नंबर और रिपोर्ट कार्ड में दस को मैंने अठारह किया था क्योंकि नहीं आती थी नहीं थे बढ़िया गणित के टीचर्स तब मैं बनी टीचर मैंने बोला मैं एक मुहिम चालू करूंगी कि कभी किसी बच्चे को चीटिंग ना करना पड़े मैं इतना बढ़िया पढ़ाऊंगी कि पेपर ही लीक हो जाए ठीक है तो मैं कह रही हूँ कि चाहे क्वेश्चन में लिखा हो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बताओ या क्वेश्चन में लिखा हो मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ बात एक ही होती है जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन करना और नॉन मेटालिक कैरेक्टर सेम होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स लूज करना एंड मेटालिक कैरेक्टर सेम रहता है एक काम कर लो अपनी कॉपी में आ, कहीं पर स्टार पॉइंट बनाकर ये चीज लिख लो मैं यहां पर लिखवा रही हूं स्टार पॉइंट बनाकर ये चीज लिख लो बिकॉज लूज इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन कहीं पर ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स में या कहीं पर ऐसे स्टार पॉइंट बनाकर लिख लो टेंडेंसी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर एक ही बात होती है मेटालिक कैरेक्टर स्वाति राची फ्लो फ्लो में बह जाती हो मेटालिक कैरेक्टर एक ही बात होती है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन लिखा हो किसी क्वेश्चन में या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये भी एक ही बात होती है ठीक है चलिए बेटा हर्षित टेंथ की फ्री क्लासेस ऑलरेडी हमारी ऐप पर चल रही हैं चार बजे से चलने लग रही है ऑलरेडी ठीक है पेपर लीक ही हो रहे इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से कर रहे हो तुम तो, ओके सो so, यहाँ पर मुझसे पूछा है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन सो बेसिकली जस्ट आस्किंग मी कि भाई मेटेलिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा अब आ गया समझ में अब मुझे बताना है लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड सो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस या मैं लिख सकती हूं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस कहा पर लिखा है टेंडेंसी टू लूज ई माइनस लिखा है बेटा पॉजिटिव कहां है राजवीर ई e माइनस लिखा है यहां पर भी ई e माइनस लिखा है आ गया ठीक है समझ में आ गया सबको गुड ई गुड आफ्टरनून अनुष्का जी गुड आफ्टरनून लूज पे पॉजिटिव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बेटा इलेक्ट्रॉन को तो ई e माइनस से ही लिखते हैं ना राजवीर लूज पे पॉजिटिव दिस इज ई माइनस ई माइनस दिस इज योर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को तो बेटा ई माइनस से ही लिखेंगे ना इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस ही चाहे मैं लिखूँ कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो e माइनस से ही शो होगा मेरी बच्ची आप पता है किस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद तो प्लस चार्ज आ जाता है तो आपने e प्लस क्यों नहीं लिखा है बेटा जिस चीज में से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना उस चीज के ऊपर प्लस चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन को तो ई e माइनस से ही शो करेंगे ना बच्चा वही चीज चल रही है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इनक्रीज हो जाती है आया समझ में सबको बहुत बढ़िया आगे चलते हैं जल्दी से अब यार ये है एक केस बेस्ड क्वेश्चन और तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा नफरत होती है केस बेस्ड क्वेश्चंस में से आई लिटरली हेट केस बेस्ड क्वेश्चंस क्योंकि इसमें से इतना पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चन बिल्कुल भी रिलेटेड होते हैं नहीं तो बस ये राम कहानी है केस बेस्ड की अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं ज्यादा बेटी हमें लेनी है नहीं ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज टू जल्दी वन बताइएगा। अच्छा ये जो हैं, ये थोड़े से लेंदी हैं। तो मैं एक काम करती हूं ये आपको होमवर्क दे देती हूँ पूनम बेटा इंग्लिश की क्लास होती है आपकी कितने बजे होती है थर्सडे uh, और फ्राइडे को सवा आठ बजे होती है ठीक है एक काम करती हूँ ये क्वेश्चंस हैं तुम्हारे होमवर्क ये क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हैं तो ये तुम लोगों का होमवर्क है करके आना है आउट ऑफ हीलियम नियोन कैल्शियम एंड फ्लोरिन विच एलिमेंट्स हैज टू शेल्स एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी हैव एटॉमिक नंबर चार बारह सत्रह उन्नीस विच विल बिलोंग टू द सेम पीरियड ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस तुम लोगों का होमवर्क है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू सेक्शन में जवाब दोगे कॉमेंट सेक्शन में यह बाद में लिखोगे कि बहुत अच्छा पढ़ा दी जो तो तुम लिखोगे ही पर पहले मुझे चाहिए सबके। क्या बात है बहुत ही खुशी बहुत ही खुशी हो रही है भाई इसके बाद है तुम्हारी बायोलॉजी की क्लास जिसमें तुम्हारे विनय सर तुम्हें कराएंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन तो सारे के सारे उसके लिए भी पहुंच जाना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चलेगा ठीक ये होमवर्क ही सही है <laughs> ठीक है सो वेन यूर स्टूडेंट्स करेक्टली ये हालात होते हैं हमारे बस कर अब रुलाओगे क्या इतने अच्छे अच्छे, 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 अच्छे तुम देते हो सो आई थॉट कि चलो यार हम सिर्फ अपनी तारीफें करते रहते हैं थोड़ा सा ना स्टूडेंट अप्रिसिएशन भी लेकर जाना चाहिए सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू मेक अस सो हैप्पी हमारे खून बढ़ जाते हैं ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हारी स्वाति मैडम मोटी हो रही है यू पीपल आंसर्स एंड यू पीपल पढ़ते कितने अच्छे तरीके से हो कितनी खुशी होती है हम लोगों को सो थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर डूइंग सच अ गुड जॉब एंड मेकिंग अस प्राउड ईच एंड एवरी डे बड़ी खुशी मिलती है जब तुम लोगों को ऐसे आंसर्स करते हुए देखते हैं अब इमोशनल नहीं होना है आ जाओ यहाँ पे ठीक है चलिए सो दिस इज योर क्वेश्चन हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी ए का का एटॉमिक नंबर है एक कामिकारह सोलह एंड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स जल्दी से बेटा ये हार्ड ही क्वेश्चन है यार ये हार्ड ही क्वेश्चन है बच्चे बोलते कि मैम आप तो बहुत इजी क्वेश्चंस लेकर आए हो मैम ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी ना बोर्ड में आएंगे और कहाँ से निकाल के देंगे बोर्ड वाले हमने एनसीआर की हर एक लाइन कर ली है हमने एन के हर एक पॉसिबल क्वेश्चन बना ली है इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है तुम लोगों का आया समझ में चलिए थैंक यू थैंक यू जल्दी से ऑल ऑफ यू फटाफट से बताइए ग्यारह उन्नीस भाई कमेंट सेक्शन में आंसर्स की लहर चल जानी चाहिए हां जी ये सीबीएसई के लेवल के ही हैं और सीबीएसई यहां से बाहर नहीं देगा यू जस्ट नीड टू हैव फेथ ऑन योर टीचर्स विश्वास कीजिएगा हमारा भैया जी विश्वास कीजिए यूपी बोर्ड वालों ने करा और क्या तो मतलब झंडे गाड़ के आए हैं क्या तो लठ गाड़ के आए हैं वो हमें पता है ठीक है चलिए तो एक बारी फटाफट से देखते हैं ए बी सी डी का एटॉमिक नंबर है तीन बी का है ग्यारह इसका है सोलह इसका है उन्नीस अब ना वापस से इस क्वेश्चन में एक बहुत ही बढ़िया सा छोटा सा कोड छुपा हुआ है अब वो कोड किस प्रकार का है यहाँ पे तुमसे पूछा है सेम इलेक्ट्रॉन्स इन देर आउटर मोस्ट शेल किन में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में किन चीजों में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में उन चीजों में विच बिलोंग टू दी सेम ग्रुप वो एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से तुम लोगों से पूछा जा सकता है कि सेम इलेक्ट्रॉन्स इंदर आउटर मोस्ट हो या फिर विच बिलोंग टू द सेम ग्रुप तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है सेम ग्रुप लिखा हो या सेम इलेक्ट्रॉन्स इंदर आउटर मोस्ट शेल्स लिखा हो एक ही बात है ठीक है अब एक और चीज मैं तुमसे पूछती हूं तुमसे क्वेश्चन पूछा हो कि विच ऑफ दी फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स एंड सेम नंबर ऑफ पीरियड्स क्या ये बात सेम होगी या डिफरेंट होगी भाई जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हो कि विच ऑफ दी फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव दी सेम नंबर ऑफ शेल्स एंड बिलोंग टू द सेम पीरियड वन सेम और डिफरेंट सेम के डिफरेंट सेम के डिफरेंट जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में भाई क्या बात है कमेंट सेक्शन में जवाब की लहर चालू होते हुए इज इट द सेम और अ डिफरेंट सेम ही बात होगी चाहे मैं कहूं दे बिलोंग टू दि सेम पीरियड चाहे मैं कहूं ऑफ ऑफ द फॉलोइंग हैव दी सेम नंबर एक ही बात होगी तो जहां पर तुम लोगों ने पिछला वाला लिखा है ना पिछला वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है उसी के नीचे एक और पॉइंट लिख देना जो मैं वापस तुम लोगों को लिखवा रही हूं ये ना गोल्डन पॉइंट है जो तुम लोगों को एग्जाम में जाने से पहले याद करने ही करने हैं हर हालत में ठीक है तो पहला पॉइंट तो ये लिख लो सेम इलेक्ट्रॉन्स इन दर आउटर मोस्ट शेल्स इज इक्वल टू सेम ग्रुप ठीक है एंड सेम नंबर ऑफ शेल्स का सेम मतलब है जो सेम पीरियड का मतलब होता है आगे बात समझ में सारे के सारे इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिए यार वो ना कुछ नया नहीं दिखा सकते दे आर नॉट वेरी क्रिएटिव पीपल एंड इवन इफ दे आर दे कैन नॉट बीट अस खुला चैलेंज मैं दे रही हूं इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना है हमने तुम्हारे साथ सीबीएसई कैन नॉट इवन डेयर टू बी टू पीपल टर्म वन में तुम लोगों ने उन्हें हराया है टर्म टू में भी तुम लोग हराओगे क्या कर सकते हैं वो सेम ग्रुप की जगह ये दे देंगे इसकी जगह ये दे देंगे अच्छा सेम ग्रुप की जगह सेम वैलेंस ही लिख सकते हैं सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं दे कैन नॉट गेट मोर क्रिएटिव देन दिस दे कैन नॉट हर एक मूव पता है हमें उनकी हर एक मूव ठीक है सो ए का है थ्री बी का इलेवन और इसका ये तो जल्दी से देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन टू कॉमा वन टू कॉमा एट कॉमा टू कॉमा एट कॉमा सिक्स टू कॉमा एट कॉमा एट कॉमा वन तो इसमें मुझसे पूछा है कैसे तो ए बी और डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर आई बात समझ में मैम हम हार गए टर्म वन में छूट गया था मेरा अब नहीं छूटेगा राइटिंग प्रैक्टिस अपनी इम्प्रूव करो ना छूटने का तुम्हारा ठीक है चलिए तो बहुत ही बढ़िया हाँ क्वेश्चन है नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस से रिलेटेड क्वेश्चन है डरना नहीं है घबराना नहीं है कोई भी अगर यहाँ पे पहली बार आ रहा है प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आई हूं नहीं आएगा तो यहां खड़ी होकर जितनी बारी हो सकता है उतनी बारी समझाने का पूरा प्रयास करूंगी मैं ठीक है फटाफट से एक तो यार जितने भी बच्चे आए हो फटाफट से लाइक कर दीजिए प्लीज इस सेशन को फटाफट से ऐसे थोड़े ना होना चाहिए जल्दी से कीजिएगा मैम आपके फूफा जी यूपी बोर्ड में है ना इंग्लिश का भी एग्जाम इतना मस्त है मैं कह रही हूं मैंने मेरे बुआ फूफा बिठा रखे हैं बोर्ड में मेरे जीजा जी जी वहां पे बैठे हुए हैं सीबीएसई वाले बोर्ड में तुम मानते ही नहीं हो यार तुमको जब मैं कहती हूँ कि बैठे हुए हैं ठीक है फटाफट फड़ से लाइक कर दीजिएगा प्लीज इस सेशन को थोड़ी सी शर्म रख लिया करो चलो तो इसमें क्या है नाइट्रोजन एंड एंडोंग टू ग्रुप फिफ्टीन ऑफ दी पीरियोडिक टेबल राइट देयर इलेक्ट्रॉनिकेशन विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ऐसा टर्म है शायद बहुत से बच्चे पहली बार ही सुन रहे होंगे मैं समझाऊंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है पहले क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन की फील लो और इसे सॉल्व करने की कोशिश है. करो ठीक है बट मैं एक बात पहले बता रही हूँ कि जो मेरे वो जीजा जीजी बैठे हुए हैं ना वहां पे सीबीएसई के बोर्ड में वो भी तभी मदद करेंगे अगर तुम बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई करोगे ठीक है उन्होंने कह रखी है कि अपने बालकों को बोल देना बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई करेंगे आगे हम देख लेंगे ठीक है तो बुआ फुफा ने तो यूपी बोर्ड वालों की मदद कर ली जी, जा जी, जी तब मदद करेंगे जब बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई करोगे ठीक है कितने रिश्तेदार है आपके दो चार उधार दे दो यार ले जाओ यार यार ले जाओ बहुत ही सारे है यार <laughs> कई है ठीक चले सो so, यहां पर है मेरे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपका सात फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है आपका पंद्रह तो जल्दी से बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखते हैं नौवीं क्लास से इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आपको मैं सिखा रही हूं अंकित जोशी टेन ए फाइव नाम तेरा जितना बड़ा है ना बेटा आंसर उतना ही आपने गलत बोला है आपने बोला है बोथ आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव नो बोथ आर नॉट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं बताती हूं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कौन नहीं पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देख ले इसकी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन होगी 2.5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन होगी 2. कॉमा सेकंड जुकाम होगा तुम्हारे मैडम को 2.8.5 कॉमा एट कॉमा फाइव ये कितने शेल है के एल दो शेल है यहां पे के एल एम तीन शेल है कंप्यूटर जी आवाज कम कर दीजिएगा मुझे मेरी आवाज वापस से सुनाई दे रही है वो ऐसा नहीं हो रहा कि हेलो 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 स्वागत है आपका स्वागत है आपका ऐसे आ, वो वापस आ रही है एक् हो रही है ठीक तो ये हमने लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन भी लिख ली अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्लास में मौजूद कितने बच्चों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म का मतलब पता है कितने बच्चों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेरे खुफिया सूत्रों से मुझे पता चला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है तो कितने बच्चों को हल्का सा भी आइडिया है कि व्हाट डज इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म मीन्स एंड व्हाट डज इलेक्ट्रो पॉजिटिव टर्म मीन्स फटाफट से हाथ खड़े कर दो. दोनों के दोनों हाथ खड़े कर दो हाथ पैर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत से बच्चे बोल रहे हैं मैम नाइट्रोजन इज नागेश शिवांगी अर्शदीप उसके बाद मैं कह रही हूँ विजय बेकार बच्चे लाइक नहीं करते सेशन को मैं कह रही हूं कतई बेकार है जो लाइक नहीं करता है Exactly. डोरेमोन को देखते हैं कहीं तुम बोल दो मैडम आप ही तो हो हमारे डोरेमोन आप ही तुम्हारे तो लिए अलग अलग ले क्वेश्चन तो लेकर आते हो कैचि के तौर पर पिटाई कर दूंगी मैं ठीक है जस्ट बिकॉज एन क्यू डी मी डोरेमोन ओके वट ड्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स सीधा सा एग्जाम्पल है मान के चलो ये है जियान और ये है तुम्हारा नोबिता जियान ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया नोबिता ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया चलो जियान और नोबिता की लव स्टोरी सुनने सुनते ना तुम बोर हो गए हो गए रिंकी राहुल की स्टोरी सुनते हैं बड़े दिन हो गए मतलब रिंकी राहुल का जिक्र करे थोड़ा रिंकी राहुल का डिस्कशन करते हैं ये है तुम्हारी रिंकी इसने दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन ये है तुम्हारा राहुल इसने दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन री और रा यानी कि रिंकी और राहुल के बीच में एक बॉन्ड टूट एक बॉन्ड बन गया अब मान के चलो रिंकी और राहुल की होगी लड़ाई रिंकी बोलती मैं जा रही हूं तेरे को छोड़ के अपने पीहर मतलब अपने घर तू गंदा आदमी है मैं जा रही हूं तो रिंकी क्या बोलेगी तू दे अपने इलेक्ट्रॉन भी मेरे को और मैं लेके भग जाऊंगी मैं चली जाऊंगी अपने घर तो रिंकी ने क्या किया अपना तो इलेक्ट्रॉन लेके गई ही गई राहुल का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया पहले क्या था जो ये बॉन्ड बन रहा था इसमें दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था दोनों बराबर शेयर कर रहे थे अब क्या हुआ रिंकी गई मारी रूस रिंकी बोलती मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं है तू गंदा आदमी है मैं तो अपने भी पैसे लेके जा रही हूं और मैं तेरे भी पैसे लेके जा रही हूं तो रिंकी यहां पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर जा रही है सो so, रिंकी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन राहुल इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म जो होता है ना बेटा हमेशा कंपैरिजन में होता है जैसे तुम्हारी मम्मी नहीं करती है कंपेयर उस छोरे के तो इतने नंबर आए तेरे इतने कम क्यों आए तो मार्क्स जैसे हमेशा कंपेयर होते हैं ना उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये चीजें आपस में कंपेयर होती हैं कि भाई फलाना फलाना एलिमेंट है इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा यही पर मुझे कंपेयर करना है कि भाई नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा एक बच्चे ने बोला था कि मैम नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ना बोथ विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव बिल्कुल सही है मैं तो मना ही नहीं करी मैं बिल्कुल नहीं नाट रही दोनों के दोनों होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव बट दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा माइने वो रखता है एंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा हमारा नाइट्रोजन अब ऐसा क्यों है क्या कारण है फिलहाल के लिए बस याद कर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको मैंने समझा दी है एक ऑर्डर लिखवा देती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हद मार के उसमें से क्वेश्चन आ सकता है उससे बाहर कुछ आएगा नहीं ठीक है तो क्या ऑर्डर है भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा फ्लोरीन फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बाद आते हैं नाइट्रोजन एंड क्लोरीन ये बराबर बराबर के होते हैं फोन से याद कर लो फोन कर या फोन कल कैसे भी कर सकते हो तुम फोन कल ठीक है आ गया समझ में रीजन क्या है ये तुम्हें पता चलेगा जब तुम लोग आओगे ग्यारहवीं क्लास में भाई थोड़ा बहुत ग्यारहवीं क्लास के लिए भी छोड़ दो सारी ग्यारहवीं अभी पढ़ लोगे तो बोर्ड वाले छोड़ो एन वाले नीट वाले बोलेंगे स्वाति मैडम कर क्या रही हो क्या हमें बर्बाद करवाओगे आप बच्चों को अभी से तैयारी करवा के ठीक है तो आ गया समझ में सो इफ वी कंपेयर बिटवीन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नाइट्रोजन इज गोइंग तो टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अब एक और ट्रेंड और बता दू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या थोड़ा सा घबरा गए हो तुम एक और ट्रेंड बता दू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या अब हम थोड़ा सा डर लग रहा है अब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में यस नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब के न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब के किसी भी चीज से याद कर सकते हो ठीक है ये बेटा तेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है शिवम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है सबसे ज्यादा पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तेरा फ्लोरीन है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तेरा ऑक्सीजन है थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तेरे नाइट्रोजन एंड क्लोरीन है इनकी बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नविता बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं डेफिनेशन लिखवाती हूं डेफिनेशन तुम समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है दी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जिसमें वो शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है जैसे रिंकी राहुल के बीच में जब ये बॉन्ड बना था कैसे बना था इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग में थे तब जाके बॉन्ड बना था रिंकी ने क्या किया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया सो टेंडेंसी ऑफ रिंकी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट सेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी से बताइए बेटा यार सीरत कोई बच्चा कह रहा है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में नहीं आ रहा आप कह रहे मैडम थोड़ा फास्ट पढ़ाइए मैडम तो यार फिर बीच में फंस जाती है तुम्हारी ऐसे थोड़ी ना होता है ऐसे नहीं चल सकता ना मेरे को तो सबको बराबर लेकर चलना है बेटा सबका साथ सबका विकास और कोई फॉलो करे ना करे अपने को तो करना पड़ेगा ही है ठीक जल्दी से बताइए वेरी गुड रविंदर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड गुड इवनिंग विवेक इज इट क्लियर टू एवरीबडी तुम लोगों को अगर डेफिनेशन चाहिए तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूं दी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टेंडेंसी मतलब हुनर द केपेबिलिटी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट्स सेल्फ खुद की तरफ स्वयं की तरफ खींचना इज नोन एज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ठीक है शुभम एक तरीके से हम कह सकते हैं एक तरीके से वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर सेम है वेरी गुड बहुत ही बढ़िया हाँ एंगल पकड़ा है आपने वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर एक तरीके से सेम है क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर में भी क्या कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी uh, में भी क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है सो यस वी कैन से दैट आई बात समझ में मैम बट जो आपने नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का एग्जाम्पल दिया है तो वो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है कैसे पता चला ये बेटा हमने ना स्टडीज करी उन स्टडीज के थ्रू पता चला है नविता बहुत सारी ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि ओहो, ओ हो 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 चीज तो तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव निकली है आई बात समझ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होता है मैंने समझा दिया है बहुत से बच्चों ने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन करी है एक बार ही क्लास को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है घबराना नहीं है बहुत आसान है हमारे रिंकी राहुल और स्वाति मैडम मिलकर तुम्हें समझा देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आई बात समझ में अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर मत परेशान हो इलेवेंथ क्लास का कॉन्सेप्ट है बट जीजा जीजी ने बोला था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसीलिए मैंने करवा दिया है ठीक है आ गया समझ में यार मैं कह रही उसको भी के लिए छोड़ दो क्यों परेशान हो रहे हो डेफिनेशन समझ ली ऑर्डर समझ लिया बस बात खत्म चिल करो नहीं पूछा जाएगा इतना तुमसे जो जो पढ़ाया है बस फिलहाल के लिए वो याद कर लो ग्यारहवीं क्लास में आओगे एक एक चीज सापट क्लियर कर दूंगी मैं आई बात समझ में चलिए बहुत बढ़िया है

इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी वही होती है डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ इतना धक धक बढ़ गई तुम्हारी नहीं है कुछ भी इतना मुश्किल सो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सेम है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर सेम है ठीक है डरो मत मेरे भाई लोग डरना नहीं है लाइक करना है सेशन को जो तुमने करा नहीं है अभी क्लास में इतने बच्चे लाइक सिर्फ छब्बीस है कान पकड़ के घुमाने तुम्हारे मैंने चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए विच अच्छा सॉरी साइड हो गई भाई साइड हो गई करो 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 जल्दी से करो फटाफट से विच ऑफ द तो, फॉलोइंग कंपाउंड्स बिलोंग टू दी सेम होमोलोगस सीरीज जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा भाई कमेंट सेक्शन में आंसर की लहर होनी चाहिए और सेशन में मेरे को लाइक्स बढ़ते हुए दिखने चाहिए यार ढीट लाइव है 48, 40, like है क्लास में और लाइक सिर्फ श्रम तो आती नहीं है बिल्कुल भी बेटा रविंदर तू ग्यारहवीं में आ गया मैंने कही ना तेरे को की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ग्यारहवीं में समझा दूंगी अभी के लिए तेरा बस उतना समझना जरूरी है जितना मैंने समझाया तो तू छोड़ना क्यों इतना परेशान हो रहा है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है चिल कर नहीं पूछेगा, कोई देर से। नहीं पूछेगा कोई आई बात समझ में चलिए तो सेम होमोलोगो सीरीज है कैसे पता लगा है मैम कि कौन सा एलिमेंट सेम होमोलोगो सीरीज को बिलोंग करता है हमें चेक करना है कि भाई किस किस में है सी एच टू का डिफरेंस किन किन में सी एच टू का फर्क आ रहा है ठीक बहुत बढ़िया व्हिच ऑफ द टू फॉलोइंग कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज भाई मेरे पास है C2H6O2 C2H6O C2H6 एंड CH4O भाई क्या लग रहा है B और D B और D भाई सारे के सारे बच्चे B और D बोल रहे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बताइए एवरीबॉडी अग्रीज चलो देख लेते हैं फिर एक बारी हम B में क्या है सी टू एच सिक्स ओ और यहां पर है सी एच फोर ओ तो सी एच फोर ओ इसका अगर मुझे नेक्स्ट होमोलोग निकालना हो तो मैं क्या करूंगी सी एच टू एड कर दूंगी एक कार्बन यहां ऑलरेडी है एक मैंने दे दिया सी टू चार हाइड्रोजन ऑलरेडी है दो हाइड्रोजन मैंने दे दिए और यहां पर आ जाएगा o, तो C2, H6, o, बिल्कुल करेक्ट है एंड नहीं हो सकता है क्योंकि मैडम यहां तो ओ है ही नहीं ना और यहां पर ओ है तो बी एंड डी इज एब्सोल्यूट कलर करेक्ट आंसर और मतलब सेकेंड फोर्थ बोलो बी और डी बोलो एक ही सही एक ही बात है आ गया समझ में चलिए किसका स्ट्रक्चर बनाना है प्रियांशु किसका स्ट्रक्चर बनाना एग्जैक्टली बोल दाइड्रोकार्बन इज सी एन एच टू एन माइनस टू नेम दी फैमिली टू विच इट बिलोंग राइट स्ट्रक्चर ऑफ मेंबर ऑफ दिस सीरीज एंड आई एम सो श्योर तुम सारे के सारे इस क्वेश्चन को गलत करोगे तुम सारे के सारे इस क्वेश्चन को गलत करोगे जल्दी से बता दीजिए फटाफट से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से भाई इतना प्यारा क्वेश्चन है पर फिर भी तुमने गंद मचाना है फिर भी तुम लोगों ने गलत करना है मैं शर्त लगा रही हूं तुमसे करके दिखा दो ये कोई सही करके दिखा दे मेरे को एक बारी जल्दी से कम वक्त जुकाम क्यों हो जाता है मेरे को समझ में नहीं आता दुनिया की सारी बीमारियां लग जाती जो चीज लगनी चाहिए ना वो नहीं लगती ऐसा क्यों नहीं होता कि स्वाति आज सुबह बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं स्वाति आज सुबह बहुत ज्यादा पतलापन लग रहा है स्वाति को आए दिन जुकाम लग जाता है यार आए दिन सर दर्द लग जाता है क्या बात है यार गलत चीज है ये बहुत सारा पैसा लगना चाहिए नहीं नहीं कोई इतना तो चलने के मर जाएंगे लीजिए लीजे लीजिए साइड हो गया जी इतनी तो बड़ी हूं भी नहीं मैं जितना तुम मेरे को साइड करने के लिए बोलते हो छोटी सी तो हूं मैं छोटी सी जगह पे फिट आ जाती हूं मैं प्रोपाइन ओ माई गॉड प्रोपाइन आई यू पीपल श्योर क्या बात है यस वेरी 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 गुड मुझे लगा नहीं था तुम लोग सही कर दोगे मेरे को पक्का पता था एक ना एक ने गंद मचाना इथाइन लिखना है बट मुझे फिलहाल इथाइन कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है दैट मीन्स मेरे बच्चे बड़े हो गए बड़े श्याणे हो गए भाई के बात है सही है ऐसे ही शाने शाने रहो प्रोपाइन इज द करेक्ट आंसर फॉर्मूला ऑफ सी एन एच टू एन माइनस टू ये होता है तुम्हारा एल्काइन नेम दी फैमिली एल्काइन राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ दी सेकंड मेंबर अब तुम लोगों ने ना गलती करी थी जब मैंने तुम्हें एल्कीन का सेकंड मेंबर लिखने के लिए बोला था फिर मैंने तुम सबको समस्त बच्चों को टीन का कनस्तर बोला मूर्ख बोला तब तुम्हें याद आया कि भाई एलकीन और एलकाइन में जो सीरीज है वो मेथ से नहीं शुरू होती है वो एथ से शुरू होती है तो एल्काइन का फर्स्ट मेंबर मिथाइन नहीं है इथाइन है तो एल्काइन सीरीज का सेकंड मेंबर प्रोपाइन होगा वेरी गुड गुड शाबाश, शाणे शाणे हैं मेरे सारे के सारे बच्चे वेरी गुड चलो तो इसी बात के ऊपर देख लेते हैं आप लोगों का अगला क्वेश्चन वट विल बी दी फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन डिलीटेड पोर्शन से है ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है खास करके कि ये डिलीटेड पोर्शन से है आपका बट ये पूछा जा सकता है तो इसीलिए हम लोग इसको कर लेते हैं जस्ट इनकेस आ गया तो ठीक है प्रियांशु बेटा मैं करा दूंगी मैं करा दूंगी मैं करा दूंगी स्ट्रक्चर ड्रॉ करा दूंगी चिंता ना कर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वो वाले हैं नहीं हमारे सिलेबस में इसलिए मैं नहीं करवा रही हूं और ना ही वो ओरिजिनल सैंपल पेपर में मैंशनड थे तो नहीं करा रही मेरे बच्चे करा दूंगी मैं चिंता ना कर जल्दी से बताइए मैंने मेरे बच्चों को कराया है साइक्लोपेंटेन क्या फॉर्मूला होगा साइक्लोपेंटेन का जल्दी से बताओ पता नहीं है किसी को सी फाइव एच टेन होगा फॉर श्योर sure. बना लोगे तनवी वी लाइक मैडम ये मेरे को आता है ये मेरे वाला क्वेश्चन है <laughs> सही है बहुत बढ़िया साइक्लोपेंटेन अंकित नाम लिखा है आपने साइक्लोपेंटेन और आपके फॉर्मूला में कार्बन छ है कार्बन छह तो हो ही नहीं सकते अगर आप पेंट वर्ड यूज कर रहे हो तो आपके कार्बन तो बेटा छह हो ही नहीं सकते ना आपके कार्बन गलत है अंकित बेटा जी कार्बन गलत है चलो देख लेते हैं मैं एक बारी बना के दिखवाई देती हूँ जल्दी से एक बारी देख लेते हैं जो बच्चे सी फाइव फेस्टवेल रहे हैं लेट सी कि कहाँ पर गन फैला रहे हो तुम लोग ठीक है चलो सो uh, साइक्लोपेंटेन so, अब मैंने तुम्हें क्या बताया है सबसे पहले

मैं थोड़ा सा अप्रिसिएशन हमें भी मिलना चाहिए हमारे यहाँ पे सुपर चैट नहीं इसका वरना थोड़ी ना तुम लाइक भी नहीं करोगे फटाफट से सारे के सारे सेशन को लाइक कर दीजिएगा मैं बनाऊंगी मैं भी स्ट्रक्चर बनाऊंगी मेरे वाले स्ट्रक्चर से मैच कर लेना ठीक है चलो तो पेंटेन बनाना है सबसे पहले पेंटागन सॉरी ऐसे ही बनता है ना पेंटागन घर जैसा बचपन में ऐसा ही तो घर बनाया करते थे ना हम ऐसा ही होता था ना उसके बाद पीछे से पहाड़ बना देते थे आगे से नदियां बना देते थे ऐसा ही करना है तुम लोगों ने ऐसा बना लिया तुमने अब ना मैं मेरे बच्चों को ऐसी ही ट्रिक सिखाती हूँ कि आया कि साइक्लोहेग्जेन बनाओ तो हेग्जा ड्रॉ कर दो जितने कोणे है ना बेटा हर एक कोणे पे एक एक कार्बन चिपका दे कुछ नहीं करना जितने कोने हैं, हर एक कोने पे एक एक कार्बन चिपका दे एक कोने पे यहां चिपका दिया एक कोने पे यहां चिपका दिया यहां तो एक दो तीन कोने पक्के हो गए एक कोना, ये कोना, हो गया भाई यहां तक सारे के सारे पहुंच गए यहां तक सारे के सारे बच्चों ने कर लिया मुझे नहीं लगता किसी को कोने में कुछ चिपकाने में दिक्कत होती होगी वैसे ही बड़े फरवट हो तुम है ना वेन इट कम्स टू कोने तो तुम कर ही लेते हो चीजें तो एक एक कोने में सेट कर दिया हर एक कार्बन गुड आफ्टरनून भाई जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन करे वेरी गुड आफ्टरनून अब क्या करना है हर एक कार्बन से वही सवाल पूछना है जो नायरा कार्तिक से पूछती थी जब तक उसको ये रिश्ता क्या कहलाता में मारा नहीं गया था कि कार्तिक ये रिश्ता क्या कहलाता है तो ये कार्बन से हम पूछेंगे भाई ये रिश्ता क्या, क्या कहलाता है ये बोलेगा मैडम चार बॉन्ड बना सकता था दो मैंने बना लिए हैं दो और बना सकता हूं वो मैं बनाऊंगा हाइड्रोजन के साथ जैसे कार्तिक ने बना लिया था सीरत के साथ मेरी बहन मेरे को बैठ के सिखाती है सारी की सारी चीजें मेरे को नहीं पता वरना सीरत कौन थी और नायरा कौन थी ठीक है इस वाले कार्बन से पूछेंगे भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बोलेगा मैडम जी दो बॉन्ड बना सकता था एक दो बना लिए दो और बना सकता हूँ किसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन भाई इससे ज्यादा आसान स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं हम अब फटाफट से गिन लो जल्दी से गिन लीजिए जल्दी से गिन लीजिए भाई कितने कार्बन है एक दो तीन चार पांच भाई हाइड्रोजन कितने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस फॉर्मूला क्या हो गया सी एच एन तुम्हारी ज़बान फिसली जैसे ही तुमने पेंटेन देखा मैंने तुमसे पूछा बेटा साइक्लोपेंटेन का फार्मूला क्या होगा कमेंट सेक्शन में स्पैमिंग शुरू कि मैम साइक्लोपेंटेन का फार्मूला होगा C5H12 बेटा ये फार्मूला है केवल पेंटेन का व्हेन इट कम्स टू साइक्लोपेंटेन जब साइक्लो शब्द लग जाता है दो हाइड्रोजन अपने आप कम कर दीजिएगा ठीक है यार सीबीएसई ना पूछ सकता है तो मुझे ना बैठ कर ना ये अफसोस नहीं मनाना है जिस दिन तुम्हारा एग्जाम आए कि यार काश उनको मैं डिलीटेड पोर्शन करा देती काश थोड़े बहुत क्वेश्चंस में डिलीटेड पोर्शन से करा देती तो आज ये गंद ना मचता तो मुझे बस यही करना है मुझे ना अफसोस नहीं मनाना है जिंदगी में ठीक है वही ना दुर्घटना से देरी भली एक एक्स्ट्रा लेक्चर लग जाएगा मुझे ये समझाने में बट आई एम नॉट गोइंग टू सेट एंड रिग्रेट कि वॉट द डिड आई डू मैंने क्यों नहीं कराया है उनको ये आई बात समझ में सो दुर्घटना से देरी भली आई बात समझ में दस मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे कोई नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है मुझे समझाने में मजे आ रहे बात खत्म वहीं पर ही ठीक है ये डिलीटेड से ही बट थोड़ा वो करना पड़ेगा अपने को नहीं नहीं क्लेचर नहीं पूछ सकते हैं नॉमन क्लेचर नहीं पूछेंगे और नॉमन क्लेचर जितना मेरे को लगता है ना कि उनकी लिमिट है नॉमन क्लेचर पूछने की उतना मैं क्लेचर भी कराऊंगी मेरे बच्चे छोड़ना कुछ भी नहीं है मैंने आप लोगों को ठीक है चल बात बस हो गया भाई आ गया समझ में तो साइक्लोपेंटेन हो गया अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो तुम ड्रॉ कर ही लोगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करना तुम्हें सिखा रखा है मामला सेट है कि नहीं है अच्छा चलो एक काम करो मुझे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बताओ सारे के सारे फटाफट से कमेंट सेक्शन में साइक्लोहेक्सेन के फॉर्मूले की लहर चल जानी चाहिए जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में लहर चल जानी चाहिए साइक्लो हेगेन की भाई मैं जल्दी से देखती हूँ क्लास में 75 बच्चे बच्चे एट एटलीस्ट सत्तर लाइक्स तो हो जाने चाहिए ना मतलब इतना तो चल जाता है मतलब यार इतना तो मतलब मतलब चलता है ना जल्दी से सी सिक्स एच अभी शुभम लिख रहा है सी सिक्स एच ट्वेल्व नविता सी सिक्स एच ट्वेल्व किरण गहलोत सी सिक्स एच ट्वेल्व सी सिक्स एच टेन एच टेन नहीं होगा बेटा एच टेन तो तेरा यहाँ आ गया ना एच टेन तो तेरा यहाँ क्या बात है, है सारे 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 yes. so, ड्रॉ करना आया तो सारे के सारे ड्रॉ कर दोगे या मैं ड्रॉ करना सिखाऊ बता दो जल्दी से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मतलब नहीं कोई ऐसे नहीं हम पीछे हटेंगे बता दो बिल्कुल नहीं कष्ट होगा मेरे को दो चार एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो जाएंगी मेरी बता दो तुम बस ठीक है मामला सेट है है मामला ड्रॉ कर लोगे नहीं बेटा विजय जी हम केवल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं नहीं एक्चुअली अगर मैं मैथ्स बायो ये सारी चीजें पढ़ाने लग जाऊंगी ना तो मैं नहीं चाहती कि मेरी औसमनेस awesome इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि तुम बच्चे कंटेन ना कर पाओ ना ठीक डन है ना बहुत बढ़िया चलिए तो आगे चलते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में मिस्टेक हो जाता है बेंजीन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम है ना यहाँ पे करा देंगे सारी चीजें चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वॉट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज दैट ऑफ ऑफ बोरॉन हैव इन कॉमन डिस्कस वेरिएशन वैलेंसी अक्रॉस अ गिवन पीरियड सबसे पहले ए वाला देखो और मुझे करेक्ट आंसर बताओ कॉलम देखते ही दिल की धड़कने तो नहीं बढ़ गई है तुम्हारी कि कॉलम क्या होता है जैसे आई हैव अ प्रॉब्लम कि कॉलम क्या होता है जैसे खड़ा होता है जो लेटा हुआ होता है कॉलम किसको कहते हैं हमें नहीं पता कल मैंने तुम लोगों को एक ट्रिक बताई थी वाइस चेयरमैन जी वाइज चेयरमैन जी दिलीप बता रही हूं बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले एक क्वेश्चन कर ले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बता देंगे ठीक है वाइज चेयरमैन जी या रटवाया था ना तो वर्टिकल कॉलम्स जब भी कॉलम्स की बात हो तो तुमसे किस चीज का जिक्र पूछा है तुमसे ग्रुप्स का जिक्र पूछा हुआ है कल ही रटवाया था जो बच्चे नहीं आए थे मैं एक बार बता देती हूँ भाई सबके स्कूल में होता है ना एक बड़ा दादा होता है एक छोटा दादा होता है बड़ा दादा है तुम्हारा चेयरमैन छोटा दादा होता है तुम्हारा वाइस चेयरमैन तो वाइस चेयरमैन जी तो वर्टिकल कॉलम क्या होते हैं ग्रुप्स तो इसने बेसिकली यूं पूछा है कि बोरॉन और बोरॉन के जो ग्रुप्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी आई बात समझ में सो व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज दैट ऑफ बोरॉन हैव इन कॉमन भाई क्या होगा सेम नंबर ऑफ वैलेंसी बेटा उनके थोड़ा सा शब्दों में आपके गड़बड़ है मैम ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम होगा एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम स इलेक्ट्रॉन्स ये वेरी गुड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैम जी एग्जाम में बनाना इंपॉर्टेंट होता है रुद्र अगर क्वेश्चन में पूछा है डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो बनाना पड़ेगा क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि डॉट स्ट्रक्चर मत बनाओ केवल स्ट्रक्चर लिखा है तो तू केवल स्ट्रक्चर बनाकर आई हो ठीक है सेम नंबर ऑफ वैलेंसी यार तुम गड़बड़ कर रहे हो यार सेम नंबर ऑफ तुम्हारी ना अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है तुम्हारी अंग्रेजी में थोड़ी सी दिक्कत है दिलीप मैं करा 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 दूंगी 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 शांत बोला ना करा तो करा यार मेरा काम है यार तेरे को पढ़ाना तुम लोगों को पढ़ाना तुमने बोला मैम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता है तो मैं क्यों नहीं करवाऊंगी पैसे मिलते बेटा मेरे को इस चीज के कराऊंगी ना मैं बोल रही हूँ कराऊंगी शांत हो जा पहले जो क्वेश्चन अभी कर रहे उसके ऊपर फोकस कर लो तुम्हारी थोड़ी सी गलतियां छाट लू मैं तो वट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज इन कॉमन तो तुम लोगों को क्या लिखना है बोरॉन थोड़ा तमीज में एक बारी मैं दिखा देती हूँ कैसे लिखना है आप लोगों को बोरॉन हैज एलिमेंट्स सच एज एल्यूमिनियम गेलियम इंडियम थैलियम अब याद कैसे होगा बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन नहीं आएगा साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन नहीं आएगा केवल साइक्लो एल्के आएंगे आप लोगों के ठीक है तो बैंगन आलू गाजर इन थैला याद करवाया था आप लोगों को बहुत ही बढ़िया हाँ अंजुम इज लाइक मैम आपने एटीट्यूड है <laughs> यार अंजुम यार दिल मत तोड़ यार ऐसी चीजें बोल के प्लीज यार मैं हर्ट हो जाऊंगी यार प्लीज हाँ प्लीज बेटा जब तुम लोग कॉन्स्टेंटली स्पैम करते हो ना एंड आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन अ वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे कभी कभी रूड बनना पड़ता है ठीक है हूँ नहीं मैं बहुत क्यूट हूं मैं वो कभी कभी मुझे रूड बनना पड़ जाता है आप लोगों के लिए ठीक है सो बोरॉन हैज एलिमेंट सच हेज एल्यूमिनियम गेलियम थैलियम इन इट्स group and all these elements will have same number of valence इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना कि सेम नंबर ऑफ वैलेंसी नहीं सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी सेम होगी सो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम वैलेंसी तुम लोग इंग्लिश में गड़बड़ कर रहे थे इसलिए मुझे ये लिखवाना पड़ रहा है ठीक है एंड सेम वैलेंसी क्लियर हो गया सबको इज देर एनी स्टूडेंट जिसको कोई भी प्रॉब्लम है बोल दो ठीक है बोल दो जल्दी से

यस यू कैन टोटली राइट के ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम होगा यू कैन राइट सेम वैलेंसी होगी यू कैन राइट क्लोराइड का फॉर्मूला सेम होगा यू कैन राइट हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम होगा कुछ भी लिख सकते हो आप यस पीरियोडिसिटी इज दी रेगुलर रिपीटिशन आ गया समझ में ठीक है कौन सी वाइस चेयरमैन जी ये वाली ट्रिक कि भाई कैसे याद करें कि कॉलम हम ग्रुप्स को कहते हैं तो ट्रिक होती है वाइस चेयरमैन जी वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स होते हैं ओके डन है क्लियर है सब लोगों को दीपांशु बेटा बता तो देना पीरियोडिसिटी क्या होती है जब चीज़ें रेगुलरली रिपीट होती है जैसे तेरा सेम कॉमेंट रेगुलरली रिपीट हो रहा है तो तेरा जो कॉमेंट है वो पीरियोडिसिटी शो कर रहा है तो उसी तरीके से एलिमेंट्स में जब सिमिलर प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट हो रही है उसको हम कहते हैं आप लोगों का पीरियोडिसिटी ठीक है जल्दी से देख लीजिए नविता इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एक ग्रुप को बिलोंग करने वाले सभी एलिमेंट्स में क्या चीज सेम होगी तो तू लिख सकती है कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें सेम वैलेंसी होगी ऑक्साइड्स का फॉर्मूला सेम होगा हाइड्राइड्स का फॉर्मूला सेम होगा ये सारी चीजें आप लिख सकते हो ठीक है अब मैं आप लोगों को ये वाला बताती हूं डिस्कस वेरिएशन ऑफ वैलेंसी अक्रॉस अ गिवन पीरियड कि किसी भी पीरियड में वैलेंसी का वेरिएशन किस प्रकार होता है अब मैंने आप लोगों को कल ही रटवाया था अक्रॉस अ पीरियड एक दो तीन चार बस एक दो तीन चार यस वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया थैंक डिलीट क्यों कर दिया पूरा तो पढ़ने भी आ करो मैम मैं डाउट चैनल पे बस इतना ही पढ़ पाई यार मैं जल्दी से वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं गलत कर दिया तूने लिखा डिक्रीजेस फ्रॉम फोर टू जीरो हां जी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी जल्दी से अच्छा ठीक है थैंक यू थैंक यू अभिषेक हमारे बाकी टीचर्स भी बढ़िया पढ़ाते हैं उनकी भी क्लासेस देख देखा करो ठीक है अच्छा एलुमिनियम गैलियम ठीक है आ, यहां पे लिख देती हूँ मैं एक बारी आ, जो तुम्हारा थर्टींथ ग्रुप है ना उसकी ट्रिक है बैंगन आलू गाजर इन थैला बेरियम एलूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम ठीक है ये ट्रिक है आपकी बैंगन आलू गाजर इन थैला ये ट्रिक है अब बच्चे पूछ रहे हैं कि अक्रॉस अ पीरियड क्या वेरिएशन होगा अक्रॉस अ पीरियड अरे भैया चल क्यों नहीं रहा अक्रॉस अ पीरियड वेरिएशन होगा इंक्रीजेस फ्रॉम देखो तुम लोग अब भी गलती कर रहे हो फ्रॉम फोर सॉरी वन टू फोर इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू फोर इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू फोर डिक्रीजेज फ्रॉम फोर टू जीरो ऐसे चलेगा इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू फोर गरिमा गलत बेटा नॉट जीरो टू फोर मेरी बच्ची तभी मैं कह रही हूं कि तुम लोग इसलिए गंद मचाओगे नॉट जीरो टू फोर वन टू फोर एक से शुरुआत हो रही है यस इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू फोर एंड डिक्रीजेस फ्रॉम फोर टू जीरो ऋत्विक क्या कर मैम अकॉर्डिंग टू दमुला सी एन एक्स टू एन ऋत्विक जो ये आपका क्वेश्चन है ये मैंने समझाया है पिछले क्वेश्चन में अभी मैं नहीं रिपीट कर सकती हूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं विच विल वॉन्ट टू मूव अहेड तो तेरा जो ये क्वेश्चन है ऋत्विक मैंने इसमें करवाया है एक बार जाकर देख लियो ठीक है इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू फोर एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम फोर टू जीरो आ गया मेरे टीम के कनस्तर हो समझ में इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लियर छे? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इतना मक्खन क्वेश्चन है कि मतलब मोहब्बत हो जाए बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। ठीक है हाँ जी ऋतविक आप जो फॉर्मूला बता रहे हो ना बेटा आप हेक्जेन का फॉर्मूला बता रहे हो आप एक एल्केन का फॉर्मूला बता रहे हो मैं एक साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला बता रही हूँ अलग अलग है वो चीजें साइक्लो एल्केन इज अ डिफरेंट थिंग एंड जो आप बोल रहे हो दैट इज एन एल्केन तो इसीलिए उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे ठीक है अंडरस्टूड क्लियर टू ऑल ऑफ यू

प्रभु मैट्रिक बता देती हूं रुक जाओ ऐसे कर लो तुम कार से गए संत प्रभु बच्चे लिख रहे हैं मैडम नॉन मेटल होगा पक्का से नॉन मेटल होगा ए इज अ नॉन मेटल ठीक है क्योंकि ए बिलोंग करता है ग्रुप को। ग्रुप को में सारे नॉन मेटल है तो ए हमारा नॉन मेटल होगा ए है तुम्हारा कौन सा क्लोरीन क्लोरीन तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट नॉन मेटल होगा विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी यानी कि तेरे को कंपेयर करना है बी और सी को दोनों में से कौन बड़ा होगा साइज में ये ना तुम्हारे एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं उनकी ट्रिक है कि भाई बैंगन आलू गाजर इन थैला ये तुम्हारे थर्टीन्थ ग्रुप के एलिमेंट्स याद करने की ट्रिक है कार से गए संत प्रभु ये तुम्हारे फोर्टीन ग्रुप के एलिमेंट्स याद करने की ट्रिक है ये ट्रिक्स बता रही हूं मैं जल्दी से बताइए फटाफट से बताइए स्मॉलर होगा क्यों होगा स्मॉलर वाई इज सी गोइंग टू बी स्मॉलर वाई इज इट गोइंग टू बी स्मॉलर भाई क्या कारण है स्मॉलर का बिकॉज मैम हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव कर रहे हैं इसीलिए सी का साइज छोटा होगा या बी का साइज बड़ा होगा भाई क्या बात है भाई आई एम सो वेरी हैप्पी विद टूडेज क्लास ईच एंड एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट आई एम सो हैप्पी कांट इवन टेल यू भाई जो तो मेरे को राजी हो रहा है ना अंदर से मेरा जी खुश हो रहा है बहुत बढ़िया यस, सो कार्बन सॉरी सी जो होगा हमारा इट इज गोइंग टू बी स्मॉलर इन साइज विच टाइप ऑफ आयन कटायन और अनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एलिमेंट ए नॉन मेटल है तो नॉन मेटल क्या फॉर्म करते हैं फॉर्म करते हैं और अनायन फॉर्म करते हैं जल्दी से बताइए लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद बजे तुम लोगों का एक साथ सेशन है जल्दी से बताइए स्नोमैन याद करना है जल्दी से कटायन फॉर्म करेगा यान फॉर्म करेगा फटाफट से बात है स्विगी वालों के ही फोन आ रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इनको पता चलेगा इनका नाम ले लिया अभी फोन करेंगे अनायन फॉर्म करेगा ना अनायन फॉर्म करेगा अगर ए तुम्हारा एक नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा अनायन फॉर्म करता है नॉन मेटल विल ऑलवेज फॉर्म अनायन वेरी गुड सो नॉन मेटल विल फॉर्म अनायन भाई मौज आ गई भाई बहुत बढ़िया मौज आ गई शाबाश। शाबाश वेरी गुड ईच एंड एवरी क्वेश्चन वर अटेंडेड बाई एब्सिल्यूट परफेक्शन यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग आई एम सो प्राउड ऑफ यू जो पढ़ाया ज्ञान सारा तुम्हारे दिमाग के अंदर है एंड यस yes, भाई मैं कह रही हूं जिज्जा जी जी को बोलना पड़ेगा कि तैयार रहना तुम आ रहे हैं हमारे नट के बच्चे इतना बढ़िया कर रहे हो तुम लोग चलिए सो आपके सेशन को यहीं पर ही खत्म करते हैं आती हूं मैं पांच बजे जहां पर आप लोगों को बोर्ड की एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम बताएंगे फिर आएंगे तुम्हारे विनसर तो मिलते हैं जल्दी से जल्दी पांच बजे ठीक है थैंक यू योर मोस्ट वेलकम अरुण कुमार एंड जिसने अभी तक सेशन लाइक नहीं करा है प्लीज लाइक कर दीजिएगा मुझे भी अच्छा लगेगा क्लास के बाद देख के एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं कल रात को सवा आठ बजे जहां पर हम लोग बहुत ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे सो so, मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू माई माई वेरी वंडरफुल स्टूडेंट्स